चलिए बताते हैं वीडियो पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें हम लोग वन लाइनर्स देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये वन लाइनर जो है ये है घटनाचक्र से। ठीक है, घटनाचक्र की किताब आती है वन लाइनर्स, तो उसी किताब से ये वन लाइनर्स आए हैं। तो घटनाचक्र क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको एक बार देखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। ये पहला जो पॉइंट है, हजरत मोहम्मद जो है ये प्रॉफिट कब पैदा हुए थे? हजरत मोहम्मद पैदा हुए थे 570 AD में। ठीक है, 570 AD। इसके बाद आता है कि मोहम्मद साहिब डाइड इन द ईयर कब मरे थे? 632 AD में। मक्का लोकेट कहां है? सऊदी अरब में। वर्ड हिंदू कहां से लिया गया है या किसने पहली बार वर्ड हिंदू यूज किया था? ये था अरब। फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया, पहला सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक इंडिया पर कब हुआ था? 712 AD। ये 712 AD दिमाग में छाप लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाएगा लगभग। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम कंकर्ड सिंध, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब कर किया था? ये 712 AD में किया था। और गिवन इन्वेडर्स द गजनवी द घुरी द अरब, हु वर द फर्स्ट मुस्लिम, तो पहले मुस्लिम कौन थे? इन्वेडर अरब थे। इसके बाद ऑर्डर पर गिवन इन्वेडर नेमली कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम एंड मोहम्मद घुरी, हु वर द फर्स्ट मुस्लिम। फर्स्ट मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, बता चुका हूं ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम, इसको कर देते हैं थोड़ा कोने में। ठीक है, अब है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब था। तो द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी कौन था? अल्फ टिगिन, ये इंपॉर्टेंट है कि गजनवी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अल्फ टिगिन। ठीक है, द चंडीला किंग हुआ नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी, तो ऐसा मात्र एक किंग जो मोहम्मद गजनवी से डिफीट नहीं हुआ था, यानी नहीं हारा था, कौन है? विद्याधर। ठीक, इसके बाद मोहम्मद गजनवी ने इंडिया कितनी बार, मोहम्मद गजनवी ने इंडिया पे इन्वेड किया 17 बार, 17 बार आक्रमण किया था इसने सोमनाथ को। ठीक है, इसके बाद कि सोमनाथ टेंपल के बारे में आपको एक लाइन बताना है कि कौन सी लाइन सत्य है, तो सत्य क्या है? सोमनाथ टेंपल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग लाइन्स। ठीक है, एक ज्योतिर्लिंग से एक है सोमनाथ। इसके बाद एक डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेंपल वाज गिवन बाय अल बरौनी ने दिया है सोमनाथ टेंपल का डिस्क्रिप्शन। प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ वाज डन बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो किसने किया? प्रेसिडेंट ने किया था, ध्यान दीजिए किसने किया था? प्रेसिडेंट ने किया था, प्रेसिडेंट ने। अभी हाल फिलहाल में जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की, उसमें ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट को कहीं देखा आपने, शायद देखा भी होगा लेकिन कहीं कुछ करते दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर सारी प्राण प्रतिष्ठा कौन की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी उस टाइम, और इस बात जानते हैं कौन क्या। द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद गजनवी वाज कुतुबी, हिस्टोरियन कोर्ट द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद गजनवी कौन थे? कुतुबी हिस्टोरियन थे। कोर्ट के चंडीला किंग जिसने मोहम्मद गजनवी को फेस किया था और जीता भी था, हारा नहीं था, 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 था। इसके बाद रूलर सोमनाथ टेंपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किसने जो है सोमनाथ टेंपल को ठीक ठाक कराया, रिकंस्ट्रक्ट कराया? भीमदेव वन ने ठीक ठाक कराया। भीमदेव वन नाम था। द ऑथर ऑफ द शाहनामा फिरदौसी वाज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनवी, किसके कोर्ट से रिलेटेड है ये शाहनामा या फिरदौसी है इसके ऑथर और बुक का नाम है शाहनामा, तो ये किसके कोर्ट की बात चल रही है? मोहम्मद गजनवी। द फेमस हिस्टोरियन ऑफ इंडिया विद मोहम्मद गजनवी, तो मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? अल बरौनी। अल बरौनी कब आया था? यह आया था 11वीं शताब्दी में, 11th century AD। इसके बाद एक ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अल बरौनी, अल बरौनी के लिए एक ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको बताना है कि क्या है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पे देखिए, फर्स्ट मुस्लिम हू स्टडी कुरान, तो पहला अच्छा ये वाला है, हिज राइटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया, ये सही है, हिज राइटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। दूसरा है, ही वाज अ संस्कृत स्कॉलर, ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक संस्कृत स्कॉलर था, मतलब क्वेश्चन अगर पूछे बच्चा, ही वाज नाम क्या? अल बरौनी। ही वाज एक्सपर्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये भी ठीक है। द फर्स्ट मुस्लिम स्टडी कुरान, कुरान पढ़ने वाला पहला मुस्लिम अल बरौनी। द रूलर हु यूज्ड सिल्वर कॉइन विद संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड, तो एक ऐसा रूलर जिसने कि एक सिल्वर कॉइन चलाया था जिसके दूसरी तरफ संस्कृत का एक लेजेंड था, एक और एक तरफ कुछ और होगा, तो ये कौन था? ये था मोहम्मद गजनवी। इसके बाद रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया, वो करता नॉर्थ इंडिया 1192, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1192 में सेंट्रल इंडिया से एक रूलर आया था, सेंट्रल एशिया से सॉरी, जिसने नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल किया था, ये था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसको मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, 1192 में हुआ था। मोहम्मद गोरी वाज डिफीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार डिफीट कौन किया? मुद्रा उसको पहली डिफीट किया था। इसके बाद है कि मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, जयचंद को कब आया था? बैटल ऑफ चंदावर 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर 1194 में आया था। बैटल दैट लेड डाउन लेटर कंडीशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इंडिया, तो सेकंड बैटल ऑफ लाइन, सेकंड बैटल ऑफ लाइन की इंपॉर्टेंट है, इसने जो है मुस्लिम का डोमिनेशन इंडिया में स्टार्ट किया। ठीक है, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इन्वेडर्स नेम, हु इन्वेडेड इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मोहम्मद गजनवी, पहले मोहम्मद गजनवी ने किया, फिर किया मोहम्मद गोरी ने, और फिर किया चंगेज खान ने, और लास्ट में तैमूर लंग ने किया था। ठीक है, क्लियर। मुस्लिम रूलर हु इशूड कॉइंस दैट बोर एन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी, तो देवी लक्ष्मी का इमेज था इनके कॉइन पे, ये कौन थे मुस्लिम रूलर? ये थे मोहम्मद गोरी साहब, मोहम्मद गोरी था। ठीक है, साहब के बोलूं मैं इसको। इसके बाद मोहम्मद गोरी ग्रांटेड फर्स्ट इख्तार, पहला इख्तार किसको दिया इसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, पहला इख्तार कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो आगे चलते हैं, बख्तियार खिलजी हु कंट्रोल्ड बंगाल एंड बिहार वाज, मोहम्मद गोरी का स्लेव था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी जो है ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय, किसने डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी ने, रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार, बिहार में तुर्क रूल का रियल फाउंडर कौन था? इवन बख्तियार खिलजी। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया, टर्किश इन्वेजन के लिए ट्रू स्टेटमेंट लिख रहा है आपको, टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज सक्सेसफुल बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी जीरो थी, इस वजह से ये जो सक्सेसफुल हो गए। द इंस्क्रिप्शन दैट प्रीवियस इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क रिवर्स गिल्ड, ये है दासपुर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद है कि पनाही और उपाना, ये क्या है? ये जूते हैं, ये मीडियम टाइम में लिखे गए, ये क्या है? ये जूते हैं पनाही और उपाना। अब स्पेसिफिकली हम दिल्ली हजरत पढ़ेंगे, जिसको हम स्लेव एस्टी पहला पढ़ेंगे। द फाउंडर ऑफ स्लेव एस्टी, तो फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये फाउंडर था। दूसरा है सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ऑल्दो हैज नॉट रेफर्ड टू सुल्तान, ये सुल्तान था तो लेकिन इसे सुल्तान का उपाधि लिया नहीं, ये था लाख बख्श, और इसका नाम क्या था? लाख बख्श, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार, इसका कंट्रीब्यूशन किसको जाता है? यह आता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसके बाद जाता है किसको? इल्तुतमिश को, फिरोज शाह को और फिरोज शाह तुगलक को, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों को जाता है। ठीक है, अगला है द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय, किसने कंप्लीट किया कुतुब मीनार को? तो ये कंप्लीट किया किसने? बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन, ये इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैड बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा कहां बनाया इसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर राजस्थान में बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, इसके बाद कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक गाइड चौगान खेलते हुए गए थे, और दफा सुल्तान ऑफ दिल्ली वांटेड टू चेंज कॉइंस एंड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एंपायर, तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। इसने जो है पहला ऐसा सुल्तान था जिसने रेंडर कॉइन चलाया और दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। इसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? ये था इल्तुतमिश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि दिल्ली का फर्स्ट रूलर कौन था? इल्तुतमिश था। इसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम रूलर अमंग बलबन रसिया इल्तुतमिश नसीरुद्दीन, हुज एंपायर वाज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम, तो दारुल इस्लाम का पार्ट किसके एंपायर को माना जाता है? जिसका पहला रूलर कौन था? यानी मुस्लिम रूलर। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा? यहां पे आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव किसको कहते हैं?
स्लेव ऑफ स्लेव है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश को कहते हैं एवं तजुद्दीन यलदूज नसुद्दीन कुमाचा अली बरदान और मलिक अल्दुनिया द पर्सन हु वाज नॉट द राइवल ऑफ इल्तुतमिश। तो मलिक अल्दुनिया जो है ये राइवल नहीं था इल्तुतमिश का, ठीक है। इसके बाद द फर्स्ट वुमन ऑफ मीडिएवल इंडिया, द वुमन रूलर, फर्स्ट वुमन रूलर, या अभी कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमन रूलर, तो ये कौन थी, ये थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान नाम था इनका, ठीक है। इसके बाद मंगोल इन्वेड्स चंगेज खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, किसके टाइम में आया था चंगेज खान, चंगेज खान किसके टाइम में आया था, ये आया था के टाइम में, ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम में। मंगोल्स वर्सेस द बैंक ऑफ इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार मंगोल्स दिखे थे इंडस रिवर के किनारे जो अटैक करने आए थे, यहां पे किसके टाइम में आए थे, ये आए थे इल्तुतमिश के टाइम में, ठीक है, हो चुका है। द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब जानते हैं चंगेज खान को, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम क्या था, तेमुजिन, या फिर तेमुजिन लिखे थे, तेमुजिन। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार, किसको इसने अपॉइंट किया पहला सूबेदार, तो इसने किया मलिक जानी को, किसको किया मलिक जानी, ठीक है, मलिक जानी को किया। द नोबल्स इंक्लूडेड द नोबल्स बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम, तो रजिया बेगम के डिथ्रोनिंग में जो नोबल्स थे कौन थे, टर्किश नोबल्स थे, टर्किश, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन का नाम क्या था, गियासुद्दीन बलबन, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो दिल्ली का सुल्तान जो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो करता था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था बलबन। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु फॉर्मेटेड द थ्योरी ऑफ किनशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बलबन, ठीक है। ये पहला मुस्लिम रूलर था जिसने थ्योरी ऑफ किनशिप को चलाया था, और ये थ्योरी ऑफ किनशिप जो है ये सिमिलर है डिवाइन राइट ऑफ द किंग, ठीक है, तो इसी सिमिलर थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग है, जो डिवाइन राइट ऑफ किंग है ये इससे सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बलबन, बलबन के लिए जो स्टेटमेंट सबसे सही है इसमें से बताना है आपको, बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म स्टेबल एंड सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड्स, उसने सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखा था, और ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट, इसका मेन एजेंडा था ये था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करना था मंगोल इन्वेजन से, क्योंकि वहां से मंगोल लोग जो है ये अटैक कर रहे थे इंडिया। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही, तो जिल्ले इलाही का टाइटल किसने दिया था, बलबन ने, ठीक है। ये ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। इन इंडिया द फेमस पर्सियन फेस्टिवल नवरोज, नवरोज किसने इंट्रोड्यूस किया था, नवरोज फेस्टिवल भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, बलबन ने। द टू स्टेटमेंट अबाउट बलबन, ही इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ नियाबत ई खुदाई, नियाबत ई खुदाई की थ्योरी इसी ने दी थी बलबन ने, तो क्वेश्चन ये बना है या बनेगा कि नियाबत ई खुदाई का थ्योरी किस दिल्ली सल्तनत के किस किंग ने दिया था, ठीक है। ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कान ई चहलगानी, चहलगानी इसी ने स्टार्ट किया था, और इसने बाद में क्या कर दिया, सारी स्टार्ट से नहीं किया था, इसने खत्म किया था, ठीक है, एलिमिनेट किया था। ही एलिमिनेट ई चहलगानी में से एक ये भी था शायद, पता चलेगा, ठीक है। ही कॉल्ड डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल और द टाइटल ऑफ उलू खान वाज गिवन बाय, तो उलू खान टाइटल इसको किसने दिया था, नसीरुद्दीन महमूद ने, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बलबन की बात कर रहे हैं। द सुल्तान हु हैज हिमसेल्फ कॉल्ड द हेल्पर ऑफ कलीफ, ही डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ऑफ द मॉस्क एट गुरगर मुक्तेश्वर, यहां पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसके बाद पे इसने इंस्क्रिप्शन ही बनवाया था, इसमें लिखा है हेल्पर ऑफ कलीफ, तो किसने करवाया है, बलबन ने, बलबन ने, बलबन। द सुल्तान क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ई अर्ज, दीवान ई अर्ज का डिपार्टमेंट किसने बनाया, ये भी बलबन ने ही बनाया, ये सब हम लोग सिलेबस का पढ़ रहे हैं। द मुगल टेक्स्ट मासिर ए आलमगीरी वाज रिटन बाय, मासिर ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है साकी मुस्ताद खान, साकी मुस्ताद खान के द्वारा। तुगरिल खान रेज द स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तुगरिल खान जो है इसने एक रिवोल्ट के दौरान एक स्टैंडर्ड सेट किया, किसके टाइम में, ये क्या बलबन के टाइम में, मिस्टर बलबन, ठीक है। आप चलते हैं खलजी देते हैं, खलजी देखिए, व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वाज फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरियत, सुल्तान बरानी मेड दिस स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी की बात की जा रही है भाई साहब, ही वाज फुली, देखिए यहां से क्या लिखा है, ही वाज फुली इंडिपेंडेंट फ्रॉम रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरियत, इसको कुछ मतलब नहीं था क्या रूल है और क्या रेगुलेशंस है, ठीक है। तो ये सुल्तान बरानी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। इसके बाद है कि द सुल्तान वांटेड टू लॉन्च अ न्यू रिलीजन बट उलेमाज अपोज द मूव, तो ये एक नया रिलीजन चलाने के लिए फिराक में था और इसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द सेकंड, तो ये अलाउद्दीन खिलजी कोई टाइटल मिला था, अलेक्जेंडर द सेकंड, द डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत विच रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, हाँ तो ये आंसर सही है, सबसे कम टाइम के लिए खलजी ने रूल किया था। द फेमस आर्मी कमांडर अलाउद्दीन खलजी हु डाइड फाइटिंग इन मंगोल, तो मंगोल के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, ये कौन था, ये था जफर खान, जफर खान। पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कंटेस्ट ऑफ चित्तौर, हर हस्बैंड नेम इज राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, ये वही पद्मिनी है, समझ गए होंगे। ही वाज नोन एज हजार दिनारी, मलिक कफूर को हजार दिनार करता था, किसने, इसी पगली ने, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। द पर्पस ऑफ अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपेडिशन वाज फाइनेंशियल वेंचर, मेन पर्पस क्या था, पैसा रुपया, ठीक है, पैसा रुपया इसको लेना चला। क्रोनिकल ऑर्डर ऑफ कंटेस्ट अलाउद्दीन खिलजी एवं रणथंभौर गुजरात वारंगल एंड चित्तूर, सबसे पहले इसने किसको किया, कंकर गुजरात को किया, फिर किया इसने रणथंभौर को, फिर इसने किया चित्तूर को, और फिर के लास्ट में इसको किया वारंगल, ये चार चीजों को उसने किया, गुजरात, रणथंभौर, चित्तूर और ये वारंगल। आगे चलते हैं, द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन वाज, तो देवगिरी का रूलर कौन था, ये था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, रणथंभौर हमीर देव राजा की बात चल रही है, चित्तूर राजा रतन सिंह, देवगिरी का राजा रामचंद्र और गुजरात का कर्णदेव, ये चार राजा थे, रणथंभौर का हमीर देव, चित्तूर का राणा रतन सिंह, देवगिरी का राजा रामचंद्र और लास्ट गुजरात का कर्णदेव। द आर्मी दैट हैज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ काकाटीय रूलर्स 1303 वारंगल वाज एसोसिएटेड विद, तो काकाटीय रूलर्स ने हराया था इनको, और ये कौन थे, अच्छा ये वारंगल में हराया था 1303 में, और ये था अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, आगे है कि खलीसा लैंड डेवलप ऑन द लार्ज स्केल ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान, तो अलाउद्दीन खिलजी, खलीसा लैंड डेवलप किया गया बहुत बड़े एक लार्ज स्केल में, किसके रिजाइन में, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान हुइज इन सेट टू हैव रेज द लैंड रेवेन्यू टू वन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वाज अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अगला है सुल्तान हु इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, तो मार्केट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार कि मार्केट रिफॉर्म किसने किया था, तो ये भी किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये बहुत बार पूछा था, ठीक है, ये वाला। द अटेम्प्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस, तो ये बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ था। द ट्रू स्टेटमेंट कनेक्टेड विद अलाउद्दीन खिलजी, ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टीवेटेड लैंड, तो ये कल्टीवेटेड लैंड के को मेजर करके रेवेन्यू देता था। दूसरा, ही एब्लिश पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, और प्रोविंशियल गवर्नर की पावर को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है। द किंग ऑफ द मीडियम इंडिया हु बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हु बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस की शुरुआत किसने की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। देवगिरी, रामचंद्र देव या शंकर देव, देवगिरी के लोग थे, वारंगल के प्रताप
प्रुद्रा देव टू, वारंगल के प्रताप प्रुद्रा देव टू, होयसाला के वीर बल्लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है होयसाला। इसके बाद मदुरई, ये थे वीर पंड्या, वीर पंड्या। दरबार दिल्ली सल्तनत थोड़ी क्लियर इनसे खलीफा, तो मुबारक खलजी ने खुद को खलीफा डिक्लेअर किया था, मुबारक खलजी। प्राइस कंट्रोल वाइन इंट्रोड्यूस बाय, प्राइस कंट्रोल किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खलजी। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज फर्स्ट फर्स्ट टू चार्ज घारी और हाउस टैक्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि घारी क्या होता है और ये हाउस टैक्स एक तरह का, ये अलाउद्दीन खलजी ने स्टार्ट किया था। चेहरा सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खलजी ने, ठीक है। चेहरा नहीं है इसको, ये पढ़ते हैं चेहरा, चेहरा सिस्टम, ठीक है। ये किसने किया था, अलाउद्दीन खलजी ने किया था। इसके बाद है कि दाग सिस्टम किसने किया था, तो दाग और चेहरा कई बार एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं लोग कि दाग और चेहरा सिस्टम किसने स्टार्ट किया था। चेहरा सिस्टम है क्या, आइडेंटी कार्ड सिस्टम है, सारे सारे सोल्जर के लिए आइडेंटी कार्ड बना दिया था। द दाग सिस्टम टू ब्रांड हॉर्सेस सिलेक्टेड फॉर वॉर, कौन सा हॉर्स जाएगा वॉर में, इसको भी सेट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। दाग सिस्टम, द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सुल्तान एंड द मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 1306। तो दिल्ली सुल्तान और मंगोल्स इन दोनों के बीच का बाउंड्री अलाउद्दीन खिलजी के बाद आफ्टर 1306 1306 एडी में क्या था, तो ये था रावी रिवर, ठीक है, रावी रिवर। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट कुतलुग ख्वाजा मार्च अप दिल्ली एंड बिसाइज द सिटी। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में एक मंगोल था कुतलुग ख्वाजा और दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली पे इसने फतह हासिल कर ली। इसके बाद है कि आउट ऑफ द गिवन सुल्तान्स नेमली इल्तुतमिश, नसरुद्दीन, महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी हु अपॉइंटेड स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ एम्पायर, तो एम्पायर की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने क्या किया था, एक स्पेशल आर्मी लगाया था, ये कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं तुगलक, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हु अल्टीमेटली बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक। तो ये थे गाजी मलिक, इनका एक और नाम था गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। क्वेश्चन बनेगा कि तुगलक का फाउंडर कौन था, तो क्या हो जाएगा, गाजी मलिक, या तो फिर कह देंगे गियासुद्दीन, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। Out of the given dynasties, namely Khalji, Lodi, Slave, Tughlaq, which ruled the country for the longest period. तो सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए किसने रूल किया, तुगलक ने, ठीक है, तुगलक ने सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए रूल किया। इसके बाद है कि द मोस्ट लर्नेड रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज वेल वर्स्ड इन ब्रांचेस लर्निंग इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, यानी कि ये इनको एस्ट्रोनॉमी भी आती थी, मैथमेटिक्स भी और मेडिसिन भी, कौन था ये था मोहम्मद बिन तुगलक। द सुल्तान इंट्रोड्यूस द न्यू डिपार्टमेंट दीवान ई आमिर कोही, दीवान ई आमिर कोही किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हैड प्लान्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप, तो रोटेशन ऑफ क्रॉप किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद है कि मोहम्मद बिन तुगलक का ट्रांसफर, अब ये इसको बदला हासिल कहते हैं, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद इसने अपना दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर लिया था, बाद में फिर वापस बुला लिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, टोकन करेंसी पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि टोकन करेंसी पहली बार किसने यूज किया था, टोकन करेंसी वही करेंसी है जो आज हम यूज करते हैं। द ट्रू स्टेटमेंट, मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन टू सॉल्ट दिनार बाय इब्न बतूता, यानी इसने एक नया गोल्ड कॉइन इशू किया था जो कि दिनार कहलाया, किसके द्वारा, इब्न बतूता। अगला सेंटेंस है कि द स्कीम ऑफ द टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद तुगलक अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ऑब्वियस बात है कि उस समय तो फिर डुप्लीकेट बहुत सारा बन गया था, तो ये स्कीम फ्लॉप हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक नॉट हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर मिंटिंग ऑफ कॉइन, एकदम सही वही बात है कि मिंटिंग पे कंट्रोल नहीं हो पाया और नकली छपने लगे बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इब्न बतूता मूवीज, अब ये इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता जो है ये एक मूवीज ट्रेवलर था, इंडिया आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, मूवीज ट्रेवलर। द पर्सन हु हैज गिवन मूवीज, पता क्या उमर को आया था। इसके बाद द पर्सन हु हैज गिवन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम प्रीवेडिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, तो ये है डिटेल डिस्क्रिप्शन पोस्टल सिस्टम का, किसने दिया था, ये है इब्न बतूता। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु पार्टिसिपेटेड इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ होली, सोचिए होली के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करता था ये मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए इसको पकड़ा सकते हैं। द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पनिशमेंट एंड देयर किंग वंस ऑन हिज डेथ बदायूं कमेंटेड दिस, देखिए इसमें क्या है कि बदायूं ने कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद कि राजा भी अपने प्रजा से छुटकारा पा गया और प्रजा भी अपने राजा से, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पे कहा था। सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू हेल्प द अनएम्प्लॉयड, तो ये बहुत अच्छा काम किया था भैया, जो अनएम्प्लॉयड थे उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया था, ये कौन था, फिरोज शाह तुगलक। द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट चैरिटी नाम्स एंड एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान खैरियत, तो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया दीवान खैरियत। द सुल्तान वाज मोस्ट ऑफ स्लेव्स डिस्कोर्ड, तो ये थे फिरोज तुगलक। द टू स्टेटमेंट रिफर्स टू मीडिएवल इंडियन रूलर्स, फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक से सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स का अलग डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान बंदगान, क्या नाम था, दीवान बंदगान, बंदागन, बंदागन के लिए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और शायद फिर से पूछा जाए कि पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का नाम सुना होगा बहुत आपने, पीडब्ल्यूडी किसने शुरू किया था, ये कहता फिरोज शाह तुगलक। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रिप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क कैनाल का किसने किसने स्टार्ट करवाया था, ये था फिरोज शाह तुगलक। विद रेफरेंस टू डिगिंग कैनाल फॉर एनरिचिंग एग्रीकल्चर द ग्रेट ऑफ बीइंग द फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी, तो 14th सेंचुरी का पहला रूलर जिसने कैनाल डिगिंग करवाया एनरिचिंग एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर को एनरिच करने के लिए, कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु वाज सेड टू हैव रिवाइव्ड लिवाइड हक ई शर्ब ऑन इरिगेशन टैक्स, तो इसने क्या किया था कि हक ई शर्ब एक इरिगेशन टैक्स है जिसको इसने हटा दिया था, ये फिरोज शाह तुगलक था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड लिवाइड जिजिया, ब्राह्मण पे जो जिजिया होता था उसको भी इसने हटा दिया था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, तो फ्रूट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मेजर्स यूज किया था, किसने किया था, ये किया था फिरोज तुगलक। द टू सुपर पिलर्स वर ब्रॉट टू दिल्ली फ्रॉम तोपरा एमिरेट, ये फिरोज शाह तुगलक ही था। अब आगे चलते हैं, आगे द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश्ड अ ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट टू हेल्प बोथ कम्युनिटी अंडरस्टैंड ईच अदर्स आइडियाज, ये फिरोज शाह तुगलक था। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड हज पिलग्रिमेज फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर वाज, तो अपने स्टेट से इसने हज पिलग्रिमेज स्टार्ट करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दर उशफा क्या है ये, दर उशफा एक हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल फ्री हॉस्पिटल है, बहुत ही लाजवाब, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, दो क्वेश्चन बन सकता है कि दर उशफा होता क्या है, तो ये एक फ्री हॉस्पिटल है, फ्री हॉस्पिटल, और करवाया और इसमें क्या था, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट करवाया था। द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, लास्ट रूलर कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी राजा कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद, सॉरी महमूद लिखा है। तिमूर लंग अटैक इंडिया, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तिमूर लंग जो है ये कब अटैक किया था, तो तिमूर लंग जो है ये अटैक किया था 1398 में, इसको मैं ये कर देता हूं, 1398 में इसने किया था अटैक,
ठीक है 1398 ध्यान रखना इसको। इसके बाद कि तिमूर इन्वेडेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में ही अटैक किया था, लास्ट रूलर जो था तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक मतलब तुगलक खत्म नहीं हो रहा था। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर्स, तुर्कुद्दीन 1236 में, मुबारक खान 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 और आलम शाह 1445 से 1451। आउट ऑफ गिवन रूलर्स नेम अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश अंडर होम एन उल मुल्क मुल्तानी डिड नॉट सर्व, तो एन उल मुल्क मुल्तानी ये किसने सर्व नहीं किया, ये थे इल्तुतमिश ठीक है। देखिए मोदी की बात करें अगर तो आउट ऑफ गिवन सल्तनत रूलर्स नेम खिलजी तुगलक सैयद अहमदी, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो अफगान ओरिजिन का था, तो अफगान ओरिजिन का कौन था, लोदी खिलजी तुगलक सैयद अहमदी में से सिर्फ लोदी जो था जो अफगान ओरिजिन का था ठीक है, ओनली लोदी। इसके बाद करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगान रूलर्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली पे इसमें आपसे पूछा है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो देखिए बहलूल खान लोदी इसको ये सबसे पहले आया था 1451 से 1489 ठीक है, इसके बाद सिकंदर लोदी 89 से 1517, फिर आया था इब्राहिम लोदी और ये 1517 से 1526 और इसी से फिर लड़ाई हुई थी बाबर की, बाबर फिर इसको लेकर मुगल स्टार्ट किया था। चलिए आगे चलते हैं, अगला है महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था, तो इसको हराया था बैटल ऑफ खटोली ठीक है, खटोली पे बैठ के आया था उड़ खटोली पे और खटोली का युद्ध लड़ा था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था 1518 की बात है ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं द मेडिवल सुल्तान हु हैज द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा एंड मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ सल्तनत, तो ये कौन था, ये था सिकंदर लोदी। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा आपसे कि आगरा शहर किसने स्थापित किया था, किसने बनवाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नोट कर लेते हैं इसको, हम थोड़ा सा इसको हाइलाइट कर लेते हैं सिकंदर लोदी ठीक है। चाहिए रूलर हु कंपोज पोयम विद द पेन नेम गुलू रखी या गुलू रुखी, तो ये सिकंदर लोदी था ठीक है, गुलू रुखी से आप सिकंदर लोदी को कनेक्ट करिए और याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तो सुल्तान हु इज नोन फॉर हैविंग एबोलिश्ड द टैक्स ऑन ग्रेन्स, तो ग्रेन्स पे टैक्स किसने हटाया था, ये हटाया था सिकंदर लोदी ठीक। अगला है द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज रूलिंग ओवर दिल्ली, तो दिल्ली पे जो रूल हुआ था तो उसकी क्रोनोलॉजी पूछा है, देखिए इसको मैंने बनाया है एस के पी एस एल, एस के टी एस एल ये आप कोड लगा सकते हैं ठीक है, एस के टी एस एल ठीक। तो इसका कोड जो बनाया था मैंने वो कुछ इस तरह से था कि सचिन तेंदुलकर का नाम क्या है, एस आर टी सचिन रमेश तेंदुलकर एस आर टी ठीक है और एस एल, तो अब इसमें क्या करेंगे सचिन आर की जगह सिर्फ आपको के लगाना है ठीक है, आर की जगह पे आपको के लगाना है, एस के टी हो जाएगा और एस एल मतलब क्या होता है सचिन लेजेंडरी, सचिन लेजेंडरी ठीक है। तो कुछ आप अपना बना सकते हैं, ये तो बहुत पहले बनाया था तो मुझे याद होगा स्लेव खाली तुगलक सैयद और लोदी। चलिए बता सकते हैं, आउट ऑफ गिवन रूलर्स नेम बलबन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी, हु वाज नॉट फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी, बताओ आपको स्लेव डायनेस्टी में कौन नहीं था, ये इब्राहिम लोदी ठीक है, इब्राहिम जो है ये लोदी डायनेस्टी का था, बाकी बलबन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक ये तीनों किसके थे, स्लेव डायनेस्टी के थे, स्लेव डायनेस्टी के ठीक है। अब आता है विजयनगर एम्पायर, चलिए विजयनगर एम्पायर थे, विजयनगर एम्पायर फाउंड किसने किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पेपर आया है कि हरिहर और मुक्का किसने किया था, हरिहर और मुक्का ने किया था ठीक है ठीक। इसके बाद अगला सवाल जो है कि द रूलर हु फाउंडेड द न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज अ एजेंट ऑफ अ डिटी टू होम ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वाज सपोज्ड टू बिलोंग, मतलब क्या हुआ कि वो ये रूलर जो है इसने एक नया सिटी बनाया और ठीक है बनाया था एक रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी के साउथ में ठीक है, एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम, वहां से उसने अपना किंगडम को रूल करना स्टार्ट किया एज द एजेंट ऑफ अ डिटी, डिटी मतलब होता है भगवान, मतलब अपने आप भगवान का ये समझकर ठीक है, भगवान का एक एजेंट समझकर टू होम ऑल द लैंड साउथ ऑफ रिवर कृष्णा वाज सपोज्ड टू बिलोंग, मतलब कि मैं अब यहां का राजा हूं, मैं मुझे भगवान ने भेजा है और यहां रिवर कृष्णा के साउथ में जितना भी जमीन है ये सब मेरा है, तो इसने किया था ये हरिहर वन ने किया था, इस तरह से स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन नंबर आपको आंसर क्या हो जाएगा, हरिहर वन द लेडी पोएट हु डिस्क्राइब द विक्टोरियस एक्सपेडिशंस ऑफ हर हस्बैंड इन वर्क मधुर विजयम, तो किस लेडी ने अपने वर्क में यानी कि अपने एक किताब में मधुर विजयम में किस लेडी ने अपने पति के एक्सपेडिशंस के बारे में लिखा है, तो ये थी गंगा देवी ठीक है, गंगा देवी। इसके बाद भोरम देव टेंपल का किसने बनाया, तो भोरम देव टेंपल बनाया श्री लक्ष्मण देव राय ने, लक्ष्मण देव राय भोरम टेंपल किसने बनाया, लक्ष्मण देव राय ने। द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बहामनीस, तो गोवा को कैप्चर करने वाला विजयनगर एम्पायर का पहला रूलर जिसने बहामनीस से कैप्चर किया वो कौन था, ये था हरिहर टू, हरिहर टू ने गोवा कैप्चर किया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अब आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, नरसिंह सलुवा एंड द संगम डायनेस्टी एंड सीज़ द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड द सलुवा डायनेस्टी, तो संगम डायनेस्टी को खत्म करके ठीक है सलुवा डायनेस्टी स्टार्ट करने वाला राजा कौन था, ये था नरसिंह सलुवा, नरसिंह सलुवा वीरा वीरा नरसिंह डिपोज द लास्ट सलुवा, अब सलुवा रूलर को खत्म करके वीरा नरसिंहा ने अपने लिए राज्य स्थापित किया था लास्ट सलुवा रूलर को ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला देखते हैं, वीरा नरसिंह वाज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय, अब वीरा नरसिंह जो है इनको हराया किसने, इनके छोटे भाई ने जिनका नाम था कृष्णदेव राय ठीक, तो वीरा नरसिंह का छोटा भाई कौन था कृष्णदेव राय। इसके बाद कृष्णदेव राय को किसने हराया, फिर बाय हिज हाफ ब्रदर, इसका आधा भाई था अच्युत राय, क्या नाम था इसका अच्युत राय, इसने हराया था ठीक। द किंग ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय फाउट द बैटल ऑफ गोलकुंडा बीट, तो विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का बैटल किसे लड़ा था, कुली कुतुब शाह, क्या नाम इसका कुली कुतुब शाह, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। इसके बाद अष्ट दिगा दिगाजाज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, तो अष्ट दिगा अष्ट दिगाज ये क्या था, तो ये एट तेलुगु पोइट थे कृष्णदेव राय के दरबार में, आठ तेलुगु पोइट थे कृष्णदेव राय के दरबार में जिसको ये नाम दिए थे अष्ट दिगाजाज ठीक है, हम इसको हिंदी में कैसे करते होंगे इंग्लिश में तो नहीं कर पा रहा। द रूलर हु चूज एज अंधरा भोज, तो अंधरा भोज कौन से रूलर को कहा जाता है, ये है कृष्णदेव राय ठीक है, कृष्णदेव राय को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके रूल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है तेलुगु लिटरेचर का, तो ये है कृष्णदेव राय ठीक है, कृष्णदेव राय के रूलिंग पीरियड को तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। कृष्णदेव राय फाउंड द सिटी ऑफ कौन से सिटी को उन्होंने फाउंड किया था, नगरपारा को उन्होंने फाउंड किया था। द फेमस हजारा रामा टेंपल ऑफ विजयनगर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ कृष्णदेव राय ठीक है, इनके राज्य में हजारा राम टेंपल इन्होंने बनवाया था कृष्णदेव राय ने ठीक है, नाम याद रखिएगा कृष्णदेव राय ने बनवाया था हजारा राम टेंपल। अब्दुल लजाक विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग द रीन ऑफ, अब्दुल लजाक ने विजिट किया था विजयनगर किसके रीन में, देव राय के रेंज में। अब्दुल लजाक कौन था, ये एक पर्शियन टाइगर था, क्वेश्चन ये आएगा अब्दुल लजाक कौन था पर्शियन टाइगर, तो कौन से आपसे कि अब्दुल लजाक
मुझे याद आया था इसके टाइम में आया था, पहली बात तो ये बताना चाहिए, ये है देवराय टू, देवराय टू के टाइम में आया था। इसके बाद अब्दुल रजाक था कौन, तो ये था पर्शियन ट्रेवलर, पर्शियन ट्रेवलर, ठीक है, पर्शियन ट्रेवलर था। चलिए आगे चलते हैं, निकोलो कॉन्टी, इसका भी नाम बहुत बड़ा था। निकोलो कॉन्टी कौन था, तो ये था एन इटालियन ट्रेवलर हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। दोनों बीच अभी तक आपको एक तो आपको क्या अब्दुल रजाक ए बी डी यू है अब्दुल अब्दुल रजाक, और दूसरा कौन है निकोलो, निकोलो कॉन्टी, ठीक है, निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी इटली से आया था, और अब्दुल रजाक कहाँ से आया था, रशिया से आया था। चलिए ठीक, आउट ऑफ द गिवन नेम्स कम्बन कुत्तन नानया टिकाना हु वाज फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन, तो नानया और टिकाना फेमस थे तेलुगु ट्रांसलेशन के लिए। ठीक, सयाना द फेमस कमेंटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट वाज पेट्रोनाइज बाय विजयनगर रूलर, सयाना जो है ये फेमस कमेंटर थे वैदिक टेक्स्ट के, ये विजयनगर का ही रूलर थे। ठीक, फेमस बैटल है 1565, ये इंपॉर्टेंट आ गया कि 1565 में कौन सा फेमस बैटल हुआ था, ये हुआ था बैटल ऑफ तालिकोटा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बैटल ऑफ तालिकोटा कब हुआ था, ये हुआ था 1565 में, किसके बीच हुआ था, तो अगला है देखिए, बैटल ऑफ तालिकोटा जो हुआ था ये हुआ था विजयनगर और कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, किसके बीच हुआ था, ये हुआ था विजयनगर बीजापुर अहमदनगर और गोलकुंडा का ये कंबाइंड फोर्स था ये, और एक ये विजयनगर था। ठीक है, राजा उदयार फाउंडर द किंगडम ऑफ मैसूर, द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज वेंकट टू, जिन्होंने उदयार डायनेस्टी को फॉर्म किया था, राजा उदयार जिसने मैसूर के किंगडम को फॉर्म किया था। ठीक है, विजयनगर के राजा का क्या नाम था, वेंकट टू, वेंकट टू। ठीक है, चला के चलते हैं, अगर देखते हैं द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो फाइनेंशियल सिस्टम के चीफ कैरेक्टरिस्टिक कौन थे, क्या था मतलब चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या था, एक जो फाइनेंशियल सिस्टम था विजयनगर एम्पायर का, वो उसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या था, ये था लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू। रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ विजयनगर, द रूलर ऑफ विजयनगर द करेक्ट स्टेटमेंट आर, तो टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, तो टैक्स रेट फिक्स कर दिया गया था, और ये डिपेंड टोटली डिपेंड करता था क्वालिटी ऑफ लैंड पे। प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड द इंडस्ट्रीज टैक्स, प्राइवेट ओनर ऑफ द वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स। ठीक है, अगला है कि वेन राजा उदयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज, तो जब राजा उदयार ये हो चुका है, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी विजयनगर एम्पायर के फाइनेंशियल सिस्टम का चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या था, तो ये था लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, इसको नोट कर लीजिए, लैंड रेवेन्यू। ठीक, इसके बाद रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव, द रूलर ऑफ विजयनगर द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कृष्णदेव ये टैक्सेशन सिस्टम विजयनगर का राजा था कृष्णदेव, उसके टैक्सेशन सिस्टम का, तो पहला है द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, कि लैंड पे टैक्स रेट फिक्स था, किस तरीके का लैंड है उस हिसाब से। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द लैंड। दूसरा है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स, तो जो प्राइवेट ओनर थे वो इंडस्ट्री टैक्स देते थे। ठीक है, अगला है द प्लेस वेयर व्हिच रिप्रेजेंट्स द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर, तो विजयनगर का ओल्ड कैपिटल क्या था, ये था हम्पी, ये था हम्पी। ठीक है, हम्पी। अगला है द करेक्ट स्टेटमेंट आर, कृष्णदेव रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर रूल्ड द ट्रीटीज अमुक्तया मर्यादा, और कृष्णदेव इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आंध्रा भोज, यानी कृष्णदेव राय जो है इनको आंध्रा भोज के नाम से जाना जाता है, और कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर एम्पायर के ओनर थे, उन्होंने लिखा था ट्रीटाइज सॉरी अमुक्तया मर्यादा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला है कि अल्लाह सानी पदाना वाज वन ऑफ द अष्ट दिगाज ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय को एम फेमस फॉर तेलुगु लिटरेचर, तो क्वेश्चन ये बनेगा, आपको ये नाम दे देगा अष्टादिगाज ऑफ कृष्णदेव, और ये पूछ लेगा कि किसने ये पोएट जो है ये बहुत फेमस था, तो आंसर क्या हो जाएगा, तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, तेलुगु लिटरेचर, और ये अष्टादिगाज ये आठ लोगों का ग्रुप था जिसमें अल्लाह सानी पदाना ये इसमें एक पोएट थे। ठीक है, तेलुगु लिटरेचर में। इसके बाद द रूलर ऑफ विजयनगर हु हैड सेंट हिज एम्बेसडर टू द एम्परर ऑफ चाइना, तो अपने राजा को एम्बेसडर, अपने एम्बेसडर को चाइना एम्परर ऑफ चाइना यानी चाइना के एम्परर के पास भेजा था, ये कौन था, ये बुक्का, दो लोगों ने विजयनगर बनाया था, हरिहर और बुक्का, इसमें से एक था। द फेमस तेलुगु पोएट श्रीनाथ वाज एसोसिएटेड विद कोर्ट ऑफ, तो श्रीनाथ जो है वो किस तेलुगु पोएट है, ये श्रीनाथ, और ये किसके कोर्ट से एसोसिएटेड है, ये है देवराज टू के कोर्ट से, देवराज टू। द साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन विच फर्स्ट डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर, विजयनगर के टाइम में साउथ इंडियन डांस जो फेमस हुआ था वो कौन सा था, ये था यक्षगान, यक्षगान याद रखेंगे इसको, यक्षगान। ठीक है, इसके बाद की बिल्डिंग कल्याण मंडप वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम, तो कल्याण मंडप बना बनाया था किसके टाइम में, ये विजयनगर, विजयनगर में जब भी टेंपल बनता था तो उस समय ये नोटेबल फीचर था, उस टाइम कल्याण मंडप बनाना। ठीक, अगला है कि द फेमस विजय विठल टेंपल विच इज हैविंग इट्स 56 कार्ड पिलर एमिटिंग म्यूजिकल टोन्स, ये कहां पर है, ये कहां लोकेटेड है, ये है हम्पी में, ये कहां पर है, ये हम्पी में है। इसके बाद है कि मैसूर किंगडम वाज अ पावरफुल स्टेट अंडर द उदयार डायनेस्टी, मैसूर किंगडम जो है ये एक पावरफुल स्टेट बना उदयार डायनेस्टी के अंदर में, विच इनिशियली सर्व्ड एज अ वेसल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, पहले क्या था ये विजयनगर एम्पायर के नाम से, बाद में मैसूर किंगडम बना। ठीक है, और अगर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर फर्नाओ नूनीज, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्नाओ नूनीज कौन सा राइटर था, मतलब कहा का था, तो आंसर हो जाएगा पोर्टुगीज, पहली बात तो ये होगी। दूसरी, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट्स इन, अब देखिए औरतों के बारे में बात हो रही है कि विजयनगर एम्पायर की जो औरतें थी वो किन में किन चीजों में एक्सपर्ट थी, तो ये थी रेसलिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में और सूट सेइंग में। ठीक है, इन चीजों में वो एक्सपर्ट थी। चलिए आगे चलते हैं, अब दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। द हिस्टोरियन बिरूनी रिफ्यूज टू कंसीडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान्स एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज, तो बिरूनी ने एक हिस्टोरियन के हिसाब से इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, कि दिल्ली सुल्तान के अंदर जितने भी ये इनके स्टेट थे ये ट्रूली इस्लामिक नहीं थे, क्यों, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द रूलर्स यानी अमीर्स एंड सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड बिलोंग टू द टर्किश क्लास, तो ज्यादातर जो इस टाइम के जो रूलर सुल्तान थे ये टर्किश क्लास को बिलोंग करते थे। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली सल्तनत आर, तो दिल्ली सल्तनत के हिसाब से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आमिल क्या है, तो ये आमिल जो है ये है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, इंचार्ज था ये रेवेन्यू कलेक्शन का, इसको कहते हैं हम आमिर। ठीक है,
अगला है कि इन सल्तनत पीरियड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवानी अर्ज डेल्ट विद मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, तो ये चार तीन स्टेटमेंट है, तीनों करेक्ट है। एक बार मैं फिर से बताऊं, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमीर, यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था इन चार्ज उसको अमीर कहते हैं। अगला है द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन अरब फंडामेंटल सिस्टम, जो इक्ता सिस्टम था सुल्तान का वो अरब का फंडामेंटल सिस्टम था, यानी वो अरब से लिए थे। इन सल्तनत पीरियड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवानी अर्ज, तो सल्तनत पीरियड में दीवानी अर्ज का डिपार्टमेंट है वो किससे डील करता था, वो मिलिट्री डिपार्टमेंट से डील करता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्ता सिस्टम वाज, तो इक्ता सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या था ये बताना है आपको। तो इक्ता वाज रेवेन्यू कलेक्शन, थोड़ा सा मैं पतला करता हूं कलर, अब ठीक रहेगा। इक्ता वाज रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, सिया सतनाम वाज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम, तो सिया सतनाम जो था वो इक्ता सिस्टम का सोर्स था और इक्ता जो था वो रेवेन्यू सिस्टम था। अगला है मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता, तो मुक्ति जो है ये सपोर्ट किया जाता था ट्रूप्स को, जो ट्रूप है ठीक है, टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ, जो रेवेन्यू सिस्टम मिल रहा था उससे पैसा मिलता था उससे, यानी जो इक्ता मिलता था उससे ट्रूप्स को मेंटेन किया था, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं भाई, चलो डन, ठीक है। अगला है मुक्ति वाज सपोर्टेड हो गया, इसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा था और किसने एस्टैब्लिश किया था, तो पहला था दीवान ई बंदागन, दीवान ई बंदागन किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला है दीवान ई अर्ज, ये किसने किया था, बलबन ने किया था। फिर है दीवान ई मुस्तखराज, ये किसने किया था, अलाउद्दीन खलजी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, खलजी वाला रेवेन्यू सिस्टम था ये दीवान ई मुस्तखराज, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्या है, नीचे कर देते हैं इसको। अगला है दीवान ई अमीर कोई, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हो सकता है पेपर में ये ना देखे आपसे ये पूछ ले कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने किसके अंडर था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर। दीवानी खैरत फिरोज शाह तुगलक के अंदर था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी था। और इसके बाद दीवानी रियासत, ये मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये कई बार पूछा गया है, मार्केट कंट्रोल जो है मेनी टाइम्स एग्जाम में बहुत आया है ये दीवानी रियासत, ठीक है। और ये भी पूछा गया है कि दीवानी रियासत किसको बोलते थे, क्या चीज था, तो ये था मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये बंदागन फिरोज शाह तुगलक वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखना है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं फिर देखिए और कुछ डिपार्टमेंट आपको दिया हुआ है। दीवानी अर्ज ये है डील विद मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवानी रिसालत ये था डील विद रिलीजियस इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेन मैटर्स, रिसालत, ठीक है। इसके बाद है दीवानी इंशा डेल्ट विद स्टेट करेस्पॉन्डेंस, दीवानी विजारत ये था डेल्ट विद फाइनेंशियल मैटर्स, डायनेस्टी विद सॉ द हेड ऑफ विजारत, हेड ऑफ विजारत किसने देखा, ये देखा तुगलक ने, ठीक है, तुगलक ने देखा। अभी हेड क्या होता है ये आप देख लीजिएगा, तुगलक ने हेड देखा, वैसे आप इस समय हेड का होता देख लीजिए। द टैक्सेस लिवाइड ऑन द लैंड प्रोडक्ट वेयर, तो ये टैक्स जो है ये लिवाइड मतलब होता है कि ये नहीं लगे थे, तो ये कौन से टैक्स थे, ये थे खराज उशर और मुक्ताई, ठीक है, खराज उशर और मुक्ताई, ये तीन टैक्स जो है ये नहीं लगे थे। इसके बाद वीडियो किंग ऑफ इंडिया हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, अब ये तो भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत कि किसने इक्ता शुरू किया था, इक्ता शुरू किया किसने था, तो इक्ता शुरू किया था इसने इल्तुतमिश ने, आई से इल्तुतमिश और आई से इक्ता, ठीक है। इक्ता किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि सुप्रीम रूलर ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू सल्तनत पीरियड वाज चौधरी, सुप्रीम रूलर ऑफिशियल कौन था, ये था चौधरी कहते हैं उसको। शर्म वाला टैक्स डिवाइड ऑन इरिगेशन, तो शर्म टैक्स जो है ये इरिगेशन पे लगता था, ठीक है। ये जो मैंने बताया था टैक्स डिवाइड, ये टैक्स डिवाइड का मतलब होता है टैक्स लगना, किसी को चार लैंड प्रोडक्ट पर चार टैक्स थे, ये खराज उस और तीन टैक्स थे, खराज उस और मुक्ताई, ठीक है, ये तीन टैक्स के नाम दिए हैं बेसिकली। जवाबित कंसर्न विद स्टेट लॉज, हदीस इस्लामिक लॉ एंड फवाजिल इज द सुल्तनत पीरियड मीन, फवाजिल मतलब क्या है, एक्सेस अमाउंट पेड टू एक्सचेकर बाय द इक्तादार, ठीक है। एक्सेस अमाउंट जो था वो किसको मिल रहा था, इक्तादार को, इक्तादार को। द टू मेन करेंसी ऑफ सल्तनत पीरियड, दो मेन करेंसी क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हाईली इंपॉर्टेंट है उसको मैं लगा ही दूंगा कि दो मेन करेंसी कौन सा था, ये है जीटल और टंका, तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि जीटल और टंका ये किस टाइम में स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था दिल्ली सल्तनत के टाइम में। अब देखते हैं क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि किसने किसको स्टार्ट किया था, तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि टंका किसने शुरू किया था, टंका शुरू किया था इल्तुतमिश ने, टंका इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश रजिया के पापा ने, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वाइन टंका शासगनी अंजीतल और सल्तनत पीरियड मेड ऑफ सेपरेट मैटर्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों किस मैटर से बने थे, टंका और शासकनी ये सिल्वर का बना था, टंका और शासकनी किस बना था, सिल्वर का बना था, सिल्वर का बना था, ठीक है, और जीतल कॉपर का बना था, जीतल कॉपर का बना था। द नेम ऑफ लास्ट कैलिफ ऑफ बगदाद अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, तो किसका नाम था जो पहली बार किसी कॉइन पे आया था बगदाद के, और वो लास्ट कैलिफ था बगदाद का, नाम क्या था इसका, अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह कही, अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। चलिए नीचे देखते हैं, द यूज ऑफ पेपर वाज इनिशिएटेड, पेपर कब से स्टार्ट हुआ, 12वीं शताब्दी से, ठीक है, मतलब 1100 से लेकर 1200 के बीच में। अलाई दरवाजा कब बिल्ट हुआ, अलाई दरवाजा कब किसने बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाई दरवाजा किसने बनाया था, तो ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाई दरवाजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द हॉर्स शू आर्क वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अलाई दरवाजा, हॉर्स शू आर्क, ठीक है, ये आर्क अलाई दरवाजा में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, हॉर्स शू आर्क, क्वेश्चन देखिएगा तो अलाई दरवाजा देख करिएगा, ठीक है। अगला है सुल्तान हु बिल्ट द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, तो पांचवा स्टोरी जो है कुतुब मीनार का किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कुतुब मीनार का पांचवा स्टोरी किसने बनाया था, ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला देखते हैं, इंडिया फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन, इंडिया का पहला टॉम जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल, इंडो इस्लामिक स्टाइल में ये किसका टॉम था, ये था बलबन का टॉम, बलबन का, ठीक है। फर्स्ट ट्रू आर्क इन द सुल्तान मेमोरियल कुड बी सीन, तो पहला ट्रू आर्क जो है ये किसके मेमोरियल में था, ये था बलबन के मेमोरियल, बलबन के टॉम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन रूलर्स नेमली कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज शाह तुगलक, हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो देखिए खलजी ने कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, अलाउद्दीन खलजी ने कोई मदद नहीं दिया था, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था स्टार्ट, बाद में इल्तुतमिश ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने भी किया, इसे तो पांचवा मंजिल बनाया था, फिफ्थ मंजिल, तो तीन लोगों का नाम याद रखना है आपको, कुतुब मीनार से, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और इसके बाद इल्तुतमिश और लास्ट में फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ये इस तीनों ने किया था, और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने पांचवा मंजिल बनाया था, फिफ्थ मंजिल, पांचवा मंजिल बनाया था, फिफ्थ मंजिल, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है।
द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग इज, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिए, कुतुब मीनार सबसे पहले बना, फिर तुगलकाबाद बना, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो एक नंबर पे कौन रहेगा, एक नंबर पे रहेगा कुतुब मीनार, दूसरे पे रहेगा तुगलकाबाद, तीसरे पे लोधी गार्डन और चौथे पे फतेहपुर सीकरी। ये चार टोटल बनाए गए थे, ठीक। अगर देखते हैं बिल्डिंग और फिर बिल्डर बताना है, तो बिल्डिंग देखिए सुल्तानगढ़ी, ये किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी बनाया था इल्तुतमिश ने, रेड पैलेस बनाया था बलबन ने, जमात खाना मस्जिद ये खिजर खान ने बनाया था, थोड़े दिन के लिए था खिजर खान, कुछ दिन के लिए ये था खिजर खान, इसने बनाया था। जब ये पूछा, ये इंपॉर्टेंट है, ढाई दिन का झोपड़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, इसको जरूर याद रखिए, ये पूछेगा, ढाई दिन का झोपड़ा। द कंपोजर ऑफ कीर्तिस्तंभ प्रशस्त वाज आत्री और महेश, कीर्तिस्तंभ प्रशस्त का कंपोजर कौन था, आत्री और महेश। कीर्तिस्तंभ ऑफ चित्तौड़ वाज कंस्ट्रक्टेड, तो चित्तौड़ का कीर्तिस्तंभ कंस्ट्रक्ट किसने किया, किस टाइम में हुआ था, रूल ऑफ राणा कुंभा, राणा कुंभा के टाइम में ये हुआ था। इसके बाद है कि आर्किटेक्चर और आपको साइट दिया है, तो कहां बना है, तो बताते हैं कहां बना है। पहला है दिल्ली, तो दिल्ली में कौन सा है, कुतुब इस्लाम, तो क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि कुतुब इस्लाम कहां पे है, ये है दिल्ली में। अटल मस्जिद ये कहां है, जौनपुर में। जहाज महल ये है मालवा में यानी कि मध्य प्रदेश। और जामा मस्जिद ये कहां है, गुलबर्गा, गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्गा कहिए जामा मस्जिद, ठीक है। तो ये चारों साइड पूछा था, बता दिए। अब और चलते हैं, देखते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल एसोसिएटेड डायनेस्टी, देखते हैं लोटस बर्ड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क, ये किसने बनाया था, कलजी डायनेस्टी में। इमरजेंस ऑफ ऑक्टागोनल टॉम, ये तुगलक में हुआ था, यूज ऑफ बोधेगोई इन द पिलर, ये विजयनगर के टाइम में हुआ था। और मैसिव इंटेंस गेट विथिन टाइम वॉर, ये हुआ था सर्किस के टाइम में। चलिए अब दिल्ली सल्तनत का कुछ लिटरेचर देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। किताबुल हिंद किसने लिखा था, अल-बिरूनी, अल-बिरूनी या अल-बिरूनी कह लीजिए। अमीर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वाज बोर्न, अभी अमीर खुसरो के बारे में कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि अमीर खुसरो साहब जो है ये इनको कहते हैं पैरट ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा पैरट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। वाज बोर्न इन, ये पटियाली एक डिस्ट्रिक्ट है इटावा, और अभी उसका नाम है कासगंज, यहां पे पैदा हुआ था। अमीर खुसरो प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ खारीबोली, खारीबोली का जन्म भी कहा जाता है इनको, अमीर खुसरो को, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। खारीबोली, खारीबोली जो बोली खड़ी रहती हो उसको बोलते हैं खड़ी बोली, और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को स्टार्ट किया था। इसके बाद पर्सन हू विटनेस द रेन ऑफ सेवन सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो सात सुल्तान किसने लिखा, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, इसने सात सुल्तान लिख लिया भाई, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, दोनों बहुत महान थे। द फेमस पोएट अमीर खुसरो वाले एसोसिएटेड विद द कोटा, अभी सातों का नाम बताना है आपको, तो देखिए नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद, जलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, मुबारक शाह, यासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये सातों थे जिनके टाइम में अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो एक पोएट भी था, एक हिस्टोरियन भी था, एक म्यूजिशियन भी था। द फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री स्टाइल, सबाक ई हिंद और हिंदुस्तानी स्टाइल, ये कौन था, अमीर खुसरो। द स्कॉलर ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड पर्शियन, अमीर खुसरो को हिंदी भी आती थी और पर्शियन भी आती थी। इसके कुछ स्टेटमेंट देखिए, किताब ई नॉरस अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिंदू डिटीज एंड मुस्लिम सेंट्स रचन भाई इब्राहिम आदिल साटू, ठीक है, ये स्टेटमेंट बताना है आपको। ये एक किताब है, किताब ई नॉरस, और ये इसमें हिंदू के भगवान और मुस्लिम के जो सेंट्स थे उनके बारे में लिखा गया है, लिखा गया आदिल साटू के द्वारा। अमीर खुसरो वादा ओरिजिनेटर इंडिया ऑफ एन अगली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कवाली, कवाली का भी स्टार्ट करने का श्रेय जाता है अमीर खुसरो साहब को। द ऑथर ऑफ तबाकत ई नसीरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तबाकत ई नसीरी किसने लिखा है, ये लिखा है अमीर खुसरो ने, तबाकत ई नसीरी। इसके बाद आता है द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बिहार, यानी बख्तियार खिलजी का जो बिहार पर इन्वेजन था, ये किस किताब में है, ये है तबाकत ई नसीरी, जो बताया मैंने, लिखा किसने है, मिनहाज, मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, ये खुसरो साहब ने नहीं लिखा ये किताब, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन पोएट डिपिक्टेड इंडियन एनवायरनमेंट इन हिज पोएट्री, यानी अमीर खुसरो साहब ने अपने पोएट में पर्सियन पोएट थे ये, और इन्होंने पहली बार इंडियन एनवायरनमेंट को अपने पोएट में डाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपको क्रोनोलॉजी बताना है, तो पहला है किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबाकत ई नसीरी और फिर फतवा ई जहांदरी, तो ये आपको पहले कौन आया था, किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबाकत ई नसीरी और फिर फतवा ई जहांदरी या जहांदारी। द लैंग्वेज वाज पैट्रोनाइज्ड बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो मेन लैंग्वेज क्या था इनका, ये था पर्शियन, लैंग्वेज क्या था इनका, ये था पर्शियन, ठीक है। द टर्म अपार भ्रंश व्हिच वाज यूज्ड इन द मीडियम संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट, तो अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडिया, अपार भ्रंश क्या है, ये है अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कुछ जो नई लैंग्वेजेस थे उसका शुरुआती दौर बताया गया है इस टर्म से, अपार भ्रंश। अगला है राइटर ऑफ खजाइन उल फुतुह, खजाइन उल फुतुह किताब के राइटर कौन थे, ये थे अमीर खुसरो। अब राइटर और कुछ बुक्स हैं उनके देख लेते हैं, या वर्क जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है तारीख ई फिरोज शाही, फिर हसन निजामी ने लिखा है ताज उल मसीर, मिनहाज उल सिराज ने तबाकत ई नसीरी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, तबाकत ई नसीरी, मिनहाज उल सिराज, यहिया बिन अहमद, ये किसने लिखा है, तारीख ई मुबारक शाही, ठीक है, तारीख ई मुबारक शाही। इसके बाद जियाउद्दीन बरनी, ये किसने लिखा है, ये फतवा ई जहानदारी, फतवा ई जहानदारी, ठीक है। फिर तारीख ई फिरोज शाही किसने लिखा, शम्स ई सिराज अतीफ या अफिफ, तुगलुक नामा, ये आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, तुगलुक नामा, ये किसने लिखा है, तुगलुक नामा, ये लिखा है अमीर खुसरो साहब ने, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, इन्हें कन्वर्ट किया है, ठीक है, नहीं सॉरी, इसे लिखा है हुमायूं नामा, और तुगलुक नामा किसने लिखा है, ये अमीर खुसरो, और हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम, ठीक है। कुछ और बुक्स देख लेते हैं, तारीख ई हिंद या किताबुल हिंद, ये किसने लिखा है, अल-बिरूनी, तारीख ई दिल्ली, ये किसने लिखा है, खुसरो, रिहाला किसने लिखा है, इब्न बतूता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिस्ट्री में ऐसे नाम है जो बार बार आते हैं ना, इसे रिहाला, ये किसने लिखा है, ये लिखा है इब्न बतूता, ये मुरक्को से आया था, अगले, ठीक है, मुरक्को से आया था। तबाक की नसीब बता चुका, मिनहाज उल सिराज लिखा है, ठीक है, और रिहाला किसने लिखा है, इब्न बतूता। और इसके बाद है हकाक ई हिंदी, ये अब्दुल वहीद बिलगामी ने लिखा है, हकाक ई हिंदी। इसके बाद है तंदीहिबुल अखलाक, ये किसने लिखा है, इब्न मिस खवाक, इब्न मिस खवाक। कुंजल तिजार, ये बैलक अल कुबायाकी राइटर थे, कुंजल तिजार, किताब का नाम है बैलक अल कुबायाकी, जवामीउल हियायात हिकायात, ये क्या लिखे है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। अब तक गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कुछ मस्त मस्त प्रोनाउंसेशन हो गया, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे आए क्वेश्चन है, कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि सारा एक एग्जाम में डालेगा। आउट ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेमली वीणा ढोलक सारंगी और सितार, व्हिच इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ हिंदू मुस्लिम हारमोनी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये होगा सितार, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है हिंदू मुस्लिम हारमोनी को दर्शाता है, तो ये है सितार। फिर राइटर और वर्क है मुल्ला दौड़, इसने चंद्रयान लिखा है, दामोदर का भी, ये पद्मावती का था, तो ये इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ, ये रागा विदुह, विबोध, अमीर खुसरो आशिक,
द ट्रांसलेशन ऑफ चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट सुखा सप्ताई इन पर्शियन विद नेम तुतीनामा वाज डन बाय, तो सुखा सप्ताई ये पर्शियन में ठीक है, और चिंतामणि भट्ट की संस्कृत की किताब है सुखा सप्ताई, और ये पर्शियन में क्या नाम है इसका तुतीनामा, ये किसने किया है, ये किसने लिखा है ट्रांसलेशन, ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी, क्या नाम है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी इसने लिखा है ठीक है। इसके बाद तबला, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमीर खुसरो ने ही इंट्रोड्यूस किया था तबला बजाओ, और डॉक्यूमेंट दिल्ली सुल्तान नेवली इल्तुतमिश बलबन अलाउद्दीन खलजी फिरोज तुगलक हु रोट हिज मेमोरीज, तो इसने अपनी मेमोरीज लिखी था, मतलब लिखा था फिरोज तुगलक ने ठीक है। राणा कुंभा संगीत राजा ठीक, इनकी म्यूजिक है पुंडरीक विठाल रागमाला, इसके बाद उस्ताद चांद खान ख्याल गायकी का दिल्ली घराना ठीक है। इसके बाद पंडित भाव भट्ट, तो ये कौन सा है, ये अनूप संगीत रत्नाकर, फिर काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी, ये राग चंद्रिका, कृष्ण कृष्णानंद व्यास, ये कौन है राग कल्पद्रव, फिर नंद व्यास, ये क्या है रास पंचाध्यायी, तो ये इंपॉर्टेंट है नंददास रास पंचाध्यायी, वृंदावन दास, ये क्या है चैतन्य भागवत, और फिर जयनंदा, ये किस क्या लिखा है या क्या म्यूजिक है, ये चैतन्य मंगल, ये जो है ये म्यूजिक है ठीक है, टेक्स्ट भी कह सकते हैं म्यूजिक, और नहरी चक्रवर्ती ये क्या है भक्ति रत्नाकर। अब दिल्ली सत्रह के कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं, पोलो इंट्रोड्यूस किसने किया टुर्क्स ने, तो ये इंपॉर्टेंट है, चौगान चौगान भी कहते हैं इसको या फिर पोलो भी कहते हैं घोड़े पे बैठ के, और ये खिलाता है उलिमा क्या है, उलिमा दस्तार बंधन, दस्तार बंधन को उलिमा कहते हैं, दस्तार बंधन ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अमंग अरब मर्चेंट्स कलंदर्स एंड पर्शियन कैलीग्राफिस्ट एंड सैयद कुलाहधरन वायर, कुलाहधरन कौन थे सैयद थे, कुलाहधरन कौन थे सैयद, आपका इटली मैच बनाना है, और ये इतना इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है कि मार्को पोलो कहा था इटली का था, अब्दुल रजाक कहा था ईरान का था, और नूनीस कहा था पुर्तगाल का था, फिर से बताऊं मार्को पोलो कहा था इटली का, अब्दुल रजाक कहा था ईरान का, और नूनीस कहा था पुर्तगाल का ठीक है। फिर बहादुर शाह जफर ये उजात में राज कर रहे थे, मेरी चांद बीवी ये बीजापुर की थी, रजिया सुल्तान दिल्ली राज कर रही थी, बाद बहादुर मरवा में राज कर रहे थे ठीक। चलिए आगे बताते हैं, अगला देखते हैं फटाफट से, दिल्ली सल्तनत खत्म करना है, द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ द ट्रेवलर्स इन इंडिया इज, तो सीक्वेंस बताना है, सबसे पहले कौन आया था, ये अल-बरूनी या अल-बरूनी आया था ठीक है, अल-बरूनी या अल-बरूनी आया था, फिर आया था इब्न बतूता, फिर आया था टवेर नायर, फिर आया था मनुसी, मनहूसी सबसे लास्ट में ये मनहूसी आया था ठीक है। इनविडिबल इंडिया द टर्म फनाम, फनाम क्या है, ये कॉइंस है, फनाम एफ ए एन ए एम, फनाम क्या है, ये है कॉइंस आपको करेक्ट पे मैच तो पेयर करना है। फिरोज तुगलक करने के नाल्स का कंस्ट्रक्शन करवाए थे, बलबन जो है नौरोज बनवाए थे, अलाउद्दीन दीवानी रियासत, दीवानी रियासत, और जहांगीर सर थॉमस रो ठीक है, तो सर थॉमस रो कहां आया था मेरे लिए पूछा है, तो सुल्तान हु डिमांडेड हाफ द क्रॉप ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट इन एज रेवेन्यू, तो ये सुल्तान था ये आधा क्रॉप मांग रहा था एक बार लैंड का मेजरमेंट कर ले उसके बाद रेवेन्यू के तौर पे, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है तो फिर पूछा जाएगा, हालांकि तो सब गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट प्रोनाउंसेशन ऑफ द रूलर हु रूल्ड इंडिया डिफरेंट पीरियड, तो अब इसका पीरियड देख लेते हैं, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और ये 1236 से 1240 मात्र 4 साल राज किया उन्होंने, फिर अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 से 1316 ईडी, शेर शाह ये 1540 से 1545 ठीक है, और अकबर 1526 से 1605 ये इनका शासनकाल है ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला आया था इवेंट एंड देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेकंड बैटल ऑफ क्राइम सबसे पहले हुआ था, फिर मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी हुआ था, फिर अफगानपुर कॉन्स्पिरेसी, और फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बाय मोहम्मद तुगलक, जो ने दिल्ली से कैपिटल नीचे शिफ्ट कर दिया था ठीक है, साउथ में कहा क्या था बताइए। द करेक्ट मैच प्लेयर, तो रणथंबोर ये हमीर देव का राजा थे वहां के, चित्तौड़ का राजा रतन सिंह जहां की उपाधि होती थी, देवगिरी के राजा थे रामचंद्र, और गुजरात के राजा थे करण देव। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास, तो सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास का जो यूज किया गया इंडियन सीज में वो सदरुद्दीन मोहम्मद क्या है भैया कॉफी, सदरुद्दीन मोहम्मद कॉफी ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, In the course of a year on the road spanning almost 30 years, he crossed the breadth of Eastern Hemisphere, which is equivalent to about 44 modern countries and put behind him a total distance of approximately 73,000 miles. Chala the world's greatest traveler, pre-modern time mein world ka sabse greatest traveler bolte hain. Iske bare mein baat kar rahe hain, ye Ibn Battuta. Iske bare mein gana bhi aapne suna hoga, to isi liye gana hai, kyunki ye itna chala tha na 30 saal tak. Jab insaan puri zindagi jeete hai, 30 saal tak ye ghumta hi rehta hai, sudha sudha. He crossed the British Eastern Hemisphere completely with Ibn Battuta, bahut khush aaya tha. The correct chronological sequence of the event. सबसे पहले बना कंस्ट्रक्शन कुतुबमीनार, फिर हुआ फिरोज़शाह तुगलक की मृत्यु, फिर हुआ पुर्तगीज आए इंडिया में, और फिर रेन और कृष्णदेव राय विजयनगर, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की एंट्री हुई शासन में ठीक है। और द गिवन रूलर्स नेमली बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह और इस्लाम शाह, हु डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200 250 एंड 500, तो ये इस्लाम शाह था जिसने अपने ट्रूप्स को 200 250 और 500 में बांट दिया था। इसके बाद राइटर बताना है कृष्णदेव राय क्या लिखे थे, अमुक कमाल यादव, महेंद्र वर्मा ने क्या लिखा था, मट्टा विलास वासना, फिर भोजदेव ने क्या लिखा था, ये है सवन गणसूत्रधार, और सोमेश्वर ये इसने क्या लिखा था, माना सोलासा ठीक है। ये बड़े अच्छे अच्छे नाम है और अच्छे अच्छे खतरनाक खतरनाक। इसके बाद आउट ऑफ द गिवन पैटिसन नेमली सती पट्टी स्टाइल मैरिज जौहर, व्हिच वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग राजपूत पीरियड, तो ये सबको पता होगा ये क्वेश्चन आएगा तो सब बात यहां से, जौहर जो है ये स्टार्ट हुआ था। इन प्री मेडिवल किंगडम राजस्थान द डिजाइनेशन नैमित्तिका वाज यूज्ड फॉर स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर, प्री मेडिवल टाइम्स में राजस्थान में ये डिजाइनेशन नैमित्तिका किसको कहता था, ये स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर था, स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर द मेडिवल स्कॉलर राइटर हु बिलोंग टू द जैन रीजन, तो हेमचंद सूरी जो है ये जैन रीजन का था। अब ये कुछ बैटल से इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 ईडी, फिर बैटल ऑफ कलिंग 261 बीसी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 ईडी, और बैटल ऑफ ट्राइन 2 ये 1192 1191 में पहला और 1192 में दूसरा ठीक है। अब कुछ बुक्स है उसको बताना है हम लोगों को, ये हताक ई हिंदी अब्दुल वहीद बिलगामी, तही तह दी हिबुल अखलाक, ये इवन मिशाखवाक, और कुंजाल तिजार, ये बलेक एक कुबायासकी, और जवामियुल हिकायत, ये मोहम्मद उफी ठीक है। और कुछ दिया हुआ है आपको और उनके इंपॉर्टेंट वर्क, अकबर ने क्या लिखा था, एनी दशला, मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी चालू किया था, इल्तुतमिश ने चहलगानी नॉवल स्टार्ट किया था ठीक है। और फिर इसके बाद शेर शाह ने शतक ई आजम, ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी एडी द इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टीवेट, क्या कल्टीवेट नहीं किए थे, ये मेज यानी मकई ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान अली हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप इन रॉयल प्लेसेस ऑफ नसरुद्दीन खुसरो शाह, तो भले ही मुस्लिम रहा था बट दे यूज्ड टू वर्शिप
हिंदू डिटीज, हिंदू गॉड्स, ठीक है, डिटीज गॉड्स को कहते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट इज इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चंगेजवा कब आया था, चंगेज खान का नाम बहुत सुनते होंगे आप लोग, तो ये चंगेज जो आया था ये कब आया था, ठीक है, तो ये आया था इल्तुतमिश के टाइम में, दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव। अच्छा, तो इन्हीं को ढूंढने के लिए आया था, ये नाम क्या है, ख्वारिज्म, ये एक प्रिंस था, इसको ढूंढने के लिए इल्तुतमिश के टाइम में ही चंगेज खान इंडिया आया था, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं, अब जो है, अब इसके बाद है प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दक्कन प्रोविंस। तो अब देख लेते हैं नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी थी और दक्कन की जो प्रोविंस थे उसमें कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। देखते हैं प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड दक्कन प्रोविंस। तो इसमें पहला है कि द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ, जौनपुर शहर किसके मेमोरी में फाउंड किया गया या बनाया गया, तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। जौनपुर सिटी किसने किया था, ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, दोनों को ध्यान से देख के करना है। एक है कि जौनपुर किसके मेमोरी में किया गया, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। दूसरा है कि किसने बनाया, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक, और किसने बनाया, तो ये बनाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। दोनों में अंतर है तो थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। ये होगा मेमोरी जब पूछेगा तो क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, और जब पूछा जाएगा कि किसने बनाया तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। एग्जाम में थोड़ा सा कोशिश करेगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द प्लेस विच वॉज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाकी रूलर। तो सिराज ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है, ये जौनपुर को कहा जाता था। द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट वाज हुसैन शाह, जौनपुर का लास्ट रूलर कौन था, हुसैन शाह। द रूलर ऑफ कश्मीर हु वाज आल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, तो अकबर ऑफ कश्मीर कौन था, ये है जैन उल अबिद्दीन, जैन उल अबिद्दीन। द रियल नेम ऑफ जैन उल अबिद्दीन, जैन उल अबिद्दीन का मतलब ओरिजिनल नाम क्या था, तो ये था शाही खान, शाही खान, ठीक है, शाही खान। आउट ऑफ गिवन रूलर्स नेमली जैन उल अबिद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह, हु एबोलिश्ड जिजिया फर्स्ट टाइम। तो इसमें से जिजिया पहली बार किसने, एक प्रकार का ये जिजिया टैक्स है, इसने जैन उल अबिद्दीन ने इसको पहली बार खत्म किया था। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ जामा मस्जिद इन कश्मीर कंप्लीटेड बाय जैन उल अबिद्दीन, टूरेट सिमिलरिटी विद द बुद्धिस्ट पगोडा पर्शियन स्टाइल। ये टूरेट एक है, कुछ एक स्ट्राइकिंग फीचर था जामा मस्जिद में, जो कि जैन उल अबिद्दीन ने बनाया था, उसने लगाया था। आउट ऑफ द गिवन स्कॉलर्स नेमली मुन्नी सुंदर सूरी नाथ तिल्ला भट्ट और मुन्नी जिन विजय सूरी, हु वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ कुंभा। तो मुन्नी जिन विजय सूरी जो थे ये कुंभा के कोर्ट में नहीं थे। मीडियवल इंडियन स्टेट और प्रेजेंट, इधर आपको बताना है। तो एक है चंपका, ये कहां है, चंबा हिमाचल प्रदेश में, चंपका। दुर्गारा या दुर्गारा, ये कहां पर, जम्मू में है। कुलूट, कुलूट है कल्लू, कुलूट पहले बोलते थे कल्लू को, हिमाचल प्रदेश या कुल्लू होगा शायद। इसके बाद बहमनी स्टेट, ये कौन स्टेब्लिश किया था, ये अलाउद्दीन हसन ने किया था। द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड, बहमनी किंगडम का फाउंड हुआ था 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम गुलबर्ग, तो पहला कैपिटल बहमनी किंगडम का क्या था, गुलबर्ग। आउट ऑफ द गिवन रूलर्स मलिक अंबार हसन गंगू मोहम्मद दीवान और सिकंदर शाह, हुआ द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि दक्कन में बहमनी किंगडम को किसने फाउंड किया था, ये था हसन गंगू, हसन गंगू ने फाउंड किया था, ठीक है। ये कलर थोड़ा सा प्यार नहीं लग रहा मुझे, हसन गंगू ने किया था, ठीक है। इसके बाद है कि अटल देवी मस्जिद, ये है इब्राहिम शाह सर की द्वारा बनाया गया था। छोटा सोना मस्जिद वाली मोहम्मद द्वारा बनाया गया था। कदम रसूल, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये नुसरत शाह के द्वारा बनाया गया था। कदम रसूल अदीना मस्जिद पंडुआ में, ये किसके द्वारा बनाया गया था, सिकंदर शाह द्वारा बनाया गया था। इसके बाद डायनेस्टी बताना है और रिलेटेड सिटी बताना है कि ये डायनेस्टी कौन से शहर में राज कर रहा था। तो आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर में था, कुतुब शाही ये था गोलकुंडा में, निजाम शाही ये था अहमदनगर में, और शर्की शाही जौनपुर में। शर्की शाही जो था ये कहा था, जौनपुर में था। इसके बाद देखते हैं द पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया के पॉलीगर्स कौन थे, टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मिलिट्री कमांडर, ठीक है। मुस्लिम रूलर वाज हेल्ड एज द जगत गुरु, कह लीजिए भाई, मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेक्युलरिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मुस्लिम रूलर जो था ये सेक्युलरिज्म में बिलीव करता था। क्या नाम था इसका, इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह। द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर केम टू एंड बिकॉज ऑफ अहमदनगर वाज नेक्स्ट टू द मुगल एंपायर। तो अब मुगल का थोड़ा सा अब खटपटाहट सुनाई दे रहा है, मुगल आने वाला है। एंड हुसैन शाह वाज कंसाइंड, हुसैन शाह कंसाइंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गया, ठीक है। अहमदनगर को मुगल एंपायर ने कब्जा कर लिया था, तो यहां से निजाम शाही अहमदनगर के जो राजा थे या जो डायनेस्टी थी इनकी खत्म हो गई, ठीक। अब रूलर और बताना है फाउंडर, तो बाज बहादुर मालवा के फाउंडर थे, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, और यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के थे, ठीक है। अब डायनेस्टी स्टेट बताना है, काकतीय डायनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेस्टी पूछ लेते हैं। काकतीय डायनेस्टी कहां पे था, वारंगल में, होयसाला, ये जरूर पूछेगा इस बार पेपर में, द्वारका समुद्र, क्योंकि होयसाला में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि कैपिटल क्या था, होयसाला का कैपिटल क्या था, द्वार समुद्र, और यादव का कैपिटल देवगिरी, और पांड्या कैपिटल कोरकाई, ठीक है। बाद में फिर मदुरई। एमंग डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न गंगा, होयसाला, काकतीय, वेस्टर्न चालुक्या एंड डायनेस्टी एसोसिएटेड विद फीमेल किंग रुद्रमादेवी। तो इसमें पूछा है आपसे कि इसमें कौन सी डायनेस्टी जो है ये रुद्रमादेवी से रिलेटेड थी, तो ये था काकतीय डायनेस्टी, काकतीय। इसके बाद अगला सवाल है कि गोलकुंडा अभी प्रेजेंट में कहां है, तो ये गोलकुंडा जो है प्रेजेंट में अभी कहां है, हैदराबाद में है, ये इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा प्रेजेंट में कहां है, अभी हैदराबाद में है। इसके बाद होयसाला मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन हलबदी, हलेबिद और बेलूर, ये भी होयसाला भी इंपॉर्टेंट है, तो बताया मैंने ऑलरेडी कि हलेबिद और बेलूर में है। इसके बाद मॉडर्न नेम ऑफ होयसाला स्वराज एंशियंट कैपिटल द्वारा समुद्र, इसका मॉडर्न नेम क्या है, हलेबिद। और अगले मॉन्यूमेंट्स नेमली टॉम ऑफ शेरशाह, सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली में है, और गोल गुंबद बीजापुर में, विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट कौन सा है, गोल गुंबद, जो कि कहां पे है, बीजापुर में। तो आपसे यही पूछ लेगा डायरेक्ट, ये पूछ लेगा कि बताओ गोल गुंबद कहां है, गोल गुंबद किधर है, तो ये है बीजापुर में, बीजापुर में है गोल गुंबद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि गुजारी महल किसने बनाया, मानसिंह ने। अकबर से पहले तानसेन किसके यहां काम करते थे या कौन उनको गाना गवाता था, तो ये है किंग ऑफ भट्ट, रीवा एक जगह है एमपी में, और वहां के राजा थे रामचंद्र सिंह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर से पहले तानसेन जो कितने फेमस म्यूजिशियन थे, ये भट्ट के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ काम करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, द भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, अलवर सेंट, ये क्या गया था, अलवर सेंट। शंकरा फिलोसफी इज कॉल्ड नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म क्या फिलोसफी है, नॉन डुअलिज्म। द भक्ति कल्चर वाज रिबॉर्न इन द इंडिया, इन इंडिया 15 से 16वीं शताब्दी में भक्ति कल्चर जो है ये द्वारा आया इंडिया में। द कॉमन बिलीफ ऑफ लाइफ ऑफ गॉड बोथ बुद्धा एंड मीराबाई वाज, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये दोनों की बिलीफ थे जो बुद्धा और मीराबाई थे, क्योंकि इनके साथ वही कुछ ऐसा था, हालांकि बुद्धा के साथ तो नहीं हुआ था लेकिन मीराबाई के साथ, कि जो दुनिया है ये बहुत दुखों से भरी भरी है। लेट नो मैन आस्क अ मैन सेक्ट और कास्ट, किसने कहा था कि भाई किसी से उसकी जात मत पूछो, साधु से ना पूछिए उसकी जात, ये रामानंदा ने कहा था,
ठीक है। अब कॉमन फीचर फॉर प्रतिशत होता है, देखो बोझ वर्सेस इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द फॉलोअर, तो ऑब्वियस बात है कि ये वही लिखेंगे जो इनके भक्त समझ पाए, तो ये लिखा गया यहां पे भी, समझ गया बहुत अच्छे। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मीडियम इंडिया द सूफी मिस्टिक वेयर नोन टू परस्यू द प्रैक्टिस दैट आर, तो मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, इसमें ये चीजें प्रैक्टिस की जाती थी, कौन कौन सी, एक तो ये हो गया, दूसरा सेवरल सीवियर एसेटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेस, एसेटिक मतलब क्या होता है, ये सन्यासी होना, ठीक है, तो सन्यासी होने का ये एक्सरसाइज किया था, रेसिटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अरोज अ स्टेट ऑफ एस्टेसी इन द ऑडियंस, तो ये होली सॉन्ग्स का जो है रेसिटेशन था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है वैष्णविज्म इज इन कामरूप वाज पॉपुलराइज्ड बाय, वैष्णविज्म जो है ये पॉपुलर हुआ शंकर देव के द्वारा इन असम एंड कूच बिहार, वैष्णविज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, असम और कूच बिहार में वैष्णविज्म जो है ये शंकर देव के द्वारा फेमस हुआ या इंट्रोड्यूस किया गया। रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू विशिष्ट अद्वैत, तो रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्ट अद्वैत को मानते थे, फेमस मीडियम संत, शंकर देव बिलोंग टू वैष्णव कल्ट से बिलोंग करते थे, शुद्ध अद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य के द्वारा प्रमोट किया गया, शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब कोई द्वितीय नहीं है, अकेला बस भगवान एक है और हर जगह है, ठीक है, और यह अद्वैतवाद को माना शंकराचार्य ने भी बहुत प्रसार प्रसार किया, इसका टोटल चार मठ है जो अद्वैतवाद को प्रसार करती है शंकराचार्य की, जो राम मंदिर में भी नहीं गए थे। द बर्थ प्लेस ऑफ महाप्रभु वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य का जन्म प्लेस कहाँ है, ये चंपारण, ये चंपारण नहीं है, ये चंपारण है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब आप देखिए यही मैं कह रहा था, आगे अद्वैतवाद का प्रचार किसने किया, ये शंकराचार्य फाउंडर थे, इन्होंने किया, विशिष्टवाद किसने किया, रामानुजाचार्य ने किया, द्वैतवाद किसने किया, मगध या माधवाचार्य सॉरी, और अद्वैतवाद ये किसने किया, निम्बरचार्य ने किया, और शुद्धवैत ये किसने किया, वल्लभाचार्य ने किया, ठीक है, तो अद्वैतवाद पूछ सकता है शंकराचार्य ने किया था। कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ संत कबीर, तो कबीर के टीचिंग्स को क्या कहते हैं, इसमें क्या है बैजक या बीजक, तो आपको ये पूछ सकता है बीजक जो है ये किसकी टीचिंग है, ये पूछ लेगा आपसे कि बीजक किसकी टीचिंग है, तो आप क्या उत्तर दोगे, आप उत्तर दे देना कि संत कबीर, ठीक है। चलिए आगे, आउट ऑफ द गिवन नेम्स दादू कबीर रामानंदा तुलसीदास हु वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज, तो रामानंदा जो है ये पहली बार इन्होंने क्या कहता हिंदी को यूज किया था, ठीक है, अपने मैसेज को प्रोपगेट करने के लिए। कबीर वाज डिसिपल ऑफ, कबीर किसके डिसिपल थे, ये रामानंदा के डिसिपल थे, मिस्टर कबीर वाज डिसिपल ऑफ रामानंदा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है कि अ कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर एंड धर्मदास, तो कबीर और धर्मदास के बीच जो बातें हुई थी ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, अमर मूल, क्या कहते हैं, अमर मूल। आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ एवरेज कुंभनदास रामानंद रायदास तुलसीदास जो प्रयाग में पैदा हुए थे, तो प्रयाग में कौन पैदा हुए थे, ये थे रामानंद पैदा हुए थे। मलुकदास वाज सेंट पोएट ऑफ काड़ा, मलुकदास किसके पोएट थे, काड़ा के पोएट थे। द नेम ऑफ सेंट घासीदास फादर वाज महांगू, घासीदास के फादर का क्या नाम था, ये था महांगू, ठीक है, महांगू। द करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछा है, तो सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य, ठीक है, फिर आपको बताना है कि भक्ति मूवमेंट की क्रोनोलॉजी, तो देखिए कबीर सबसे पहले 1398 से 1518, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीरा भाई, हाईली 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 इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले कौन आया, कबीर आए, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीरा भाई, यानी KGCM कोड बना लीजिए इसको याद रखने के लिए, पहले के, फिर जी, फिर सी, फिर एम, यानी कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, और फिर लास्ट में मीरा भाई देखिए 1498 से 1540 के आसपास आई, और चैतन्य 1486 से 1533, गुरु नानक का था जो टाइम पीरियड 1469 से 1547, और कबीर 1398 से कितना था 1518, 1398 से 1518 काफी था। ज्योतिर्लिंग दैट वाज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। द फॉलोअर रामानुज वाज वैष्णव, रामानुज के फॉलोअर क्या थे, वैष्णव। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक ननकाना, ये पाकिस्तान में है ननकाना। गुरु नानक फाउंडेड द सिख रिलीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकंदर लोदी, गुरु नानक ने सिख रिलीजन कब स्टार्ट किया था, सिकंदर लोदी के टाइम में, ठीक है। गॉड नोज मैन्स वर्च्यू एंड इंक्वायर्स नॉट हिज कास्ट, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड इज नो कास्ट, दिस वाज द थ्योरी ऑफ नानक, कैसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। गुरु नानक की थ्योरी क्या थी कि भैया भगवान जो है इंसान को जानता है, उसके कास्ट थोड़ी जानता है, तो अगला जो वर्ल्ड होगा उसमें कास्ट नहीं होगा, ये किसकी थ्योरी थी, ये गुरु नानक की थ्योरी थी। मीरा भाई वाज कंटेंपरेरी ऑफ, तो मीरा भाई किसकी कंटेंपरेरी थी, तुलसीदास, गुरु नानक और चैतन्य, ठीक है। द नेम ऑफ हस्बैंड ऑफ फेमस डिवोटी मीरा भाई, मीरा भाई का नाम सुना होगा, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति, तो इनके पति का नाम क्या था, राजकुमार भोजराज, राजगोविंद, इन्होंने राजगोविंद इन्होंने लिखा था मीरा भाई ने। अब कुछ पर्सन उनके कंपोजिशन दिए हुए हैं बताना है, ध्रुवदास ये भगत नाम वाली ने लिखा था, नावदास ये भक्त मल्ले लिखा था, केशवदास ये रसिक प्रिया ने लिखा था, उस्मान चित्रावली ने लिखा था। द गिवन सेंट्स आर इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोलॉजी बताना है, सबसे पहले नामदेव आए, फिर कबीर, फिर गुरु नानक, और फिर मीरा भाई, तो KGM तो आप याद कर लीजिए, KGF देखा होगा आपने, यहां पे KGM है, कबीर, गुरु नानक, मीरा भाई। अब बताना है कि भक्ति मूवमेंट में जो लीडर्स हैं, ये लीडर्स जो है इस्लाम से भी बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, जैसे कि चैतन्य, जैसे मीरा भाई, नामदेव और वल्लभाचार्य, ये लोग, इनमें से बताना है आपको कि इस्लाम से कौन जो है ये इस्लाम से अच्छी तरह प्रभावित हुए थे, तो ये थे नामदेव जी, मिस्टर नामदेव। चलिए आगे देखते हैं, द भक्ति सेंट हुआज प्रीचिंग व्हेन द लोदी डायनेस्टी फेल एंड बाबा टुक ओवर, तो उस समय कौन से भक्ति सेंट अपना प्रीचिंग जारी रखे हुए थे, ये थे गुरु नानक, भक्ति सेंट बताना है, प्रोफेशन नामदेव क्या थे, टेलर। अब आप देखिए इनमें से कौन से पूछेगा कि नाम टेलर थे, तो नामदेव। कबीर क्या थे, ये वीवर थे, बुनाई करते थे। रायदास कॉबलर थे, जूता सिलने वाले, और सेना ये बार्बर थे। अब ये भक्ति सेंट थे, आप सोच देखिए, ठीक है, रविदास जो थे ये कॉबलर थे, और सेना ये बार्बर थे, बार्बर मतलब बाल काटने वाला। चैतन्य महाप्रभु रिलेटेड टू वैष्णव सेक्ट, रिलेटेड चैतन्य महाप्रभु रिलेटेड है। तुलसीदास किसके कंटेम्पोरी थे, ये अकबर और जहांगीर के कंटेम्पोरी थे। रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। आउट ऑफ द गिवन कंपोजिशन नेमली गीतावली कवितावली विनय पत्रिका साहित्य रत्न विच इज नॉट अ कंपोजिशन ऑफ तुलसीदास, तो साहित्य रत्न जो है ये तुलसीदास ने लिखा है, बाकी गीतावली कवितावली विनय पत्रिका ये सब तुलसीदास ने लिखा है। द मेन सीट स्पीच ऑफ वरकाली सेक्ट सिचुएटेड एट, तो वरकाली सेक्ट का स्पीच कहां पर सिचुएटेड है, पंधारपुर, कहां है, महाराष्ट्र में है, पंधारपुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। द सेंट ऑफ वरकाली सेक्ट वाज, तो वरकाली सेक्ट का सेंट क्या कौन थे, नामदेव। भक्त तुकाराम वाज अ कंटेम्पोरी ऑफ मुगल एम्परर, भक्त तुकाराम किस मुगल एम्परर के कंटेम्पोरी था, ये था जहांगीर। Among the given proponents, namely Nagarjun, Tukaram, Tyagaraj, Vallabhacharya, who was not a proponent of Bhakti cult. इनमें से कौन सा जो है भक्ति कल्ट के प्रोमोनेंट नहीं थे, कौन, नागार्जुन, ठीक है। द चिश्तिया सूफी ऑर्डर इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने दिया था ऑर्डर, ख्वाजा मुइनुद्दीन ने। चिश्तिया सूफी ऑर्डर किसने दिया था, ख्वाजा मुइनुद्दीन ने। द फर्स्ट सूफी सेट ऑफ चिश्तिया सेक्ट इन इंडिया
वॉज शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। पहले कौन थे, सबसे पहले सूफी सेंट कौन थे, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। एमंग द फॉलोइंग सूफी सेंट नेमली शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती, हु वाज अर्लीस्ट सूफी सेंट टू हैव सेटल्ड एट अजमेर। तो इनमें से कौन सबसे पहले अजमेर सेटल हुआ, तो ये था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, द फाउंडर ऑफ चिश्तिया ब्रांच ऑफ सूफिज्म। तो सूफिज्म का चिश्तिया ब्रांच का फाउंडर कौन था, ख्वाजा अबू अब्दल, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वाज डिसिपल ऑफ ख्वाजा उस्मान सहरूनी, ख्वाजा मुइनुद्दीन, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ये किसके डिसिपल थे, यानी किसके भक्त थे, किसके शिष्य थे, ये थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। ठीक है, अगला था मराठा चिफ्टन हु वाज द फर्स्ट टू ऑफर नजर, नजर गिफ्ट होता है, और ये मराठा चिफ्टन ने पहली बार ऑफर किया था दरगाह ऑफ ख्वाजाउद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, इन्होंने ये ऑर्डर किया था, ये ऑफर किया था किसको, राजा साहू ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, शिवाजी के पोते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया ये किसके डिसिपल थे, ये थे बाबा फरीद के। ठीक है, बाबा फरीद। इसके बाद दरगाह ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया ये कहां पर है, ये दिल्ली में है, बहुत फेमस है। द सूफी सेंट हु मेंटेन द डिवोशनल म्यूजिक वाज ऑन द वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड, ये कौन थे, मुइनुद्दीन चिश्ती, नाम बहुत सुना आपने, अजमेर में इनका ये है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख अब्दुल जिलानी, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, हु डज नॉट बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर, तो चिश्ती ऑर्डर में कौन इसमें बिलोंग नहीं करते हैं, ये शेख अब्दुल जिलानी। ठीक, इसके बाद द पर्सन हु इज कॉल्ड एज सादी ऑफ इंडिया, ये है आमिर हसन, इंडिया के सादी कहा जाता है इनको, ये क्या है, आमिर हसन। आउट ऑफ द गिवन सुल्तान ऑफ दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मदुद्दीन तुगलक, हु वाज रिफ्यूज्ड एन ऑडियंस बाय निजामुद्दीन औलिया, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बाद द सूफी सेंट वाज कॉल्ड महबूब इलाही, महबूब इलाही, ये कौन थे, शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको क्या नाम दिया गया, महबूब इलाही, द मोस्ट रिप्यूटेड डिसिपल ऑफ शेख फरीद, हु हैड सीन द रेन ऑफ एज मेनी एज सेवन सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, बहुत ये मोस्ट रिप्यूटेड डिसिपल ऑफ शेख फरीद थे, और उन्होंने सात सुल्तान को, दिल्ली के सात सुल्तान को देखा। ठीक है, अब देखते हैं मौसूलिन कहां पे है इनका, सेंट का मौसूलिन। ठीक है, तो एक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है, सबको पता होगा, बुरहान उद्दीन गरीब ये दौलताबाद में है, मोहम्मद हुसैनी गुलबर्ग में है, और ये निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है। द थॉट ऑफ द गिवन सूफी सेंट नेमली शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और फरीदुद्दीन गंज ई शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द गिनीज बुक आदि ग्रंथ ऑफ द सिख। तो इसमें देखिए इन सबको जो है दिया गया, इन सब में से किनको जो है इसमें दिया गया है, आदि ग्रंथ सिख का आदि ग्रंथ है, इसमें नाम दिया गया है, किनके थॉट्स को दिया गया है, तो ये दिया गया है फरीदुद्दीन गंज ई शंकर। ठीक है, फेमस सेंट शेख सलीम चिश्ती लिव इन फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती कहां रहते हैं, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। द टाइटल ऑफ शेख उल हिंदी वाज गिवन टू शेख सलीम चिश्ती को दिया गया है, शेख उल हिंदी का टाइटल। फिर है सेंट ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये क्या है, सेट कौन सा है, चिश्तिया, शेख अहमद सिर हिंदी, ये क्या है, नक्शबंदिया। ठीक, दाराशिको, ये दाराशिको कौन सा सेक्ट है, कादरिया। फिर शेख शहाबुद्दीन, ये है सुहरावर्दिया। ठीक है, फिर शेख बहाउद्दीन जकरिया बिलोंग टू द सेक्ट ऑफ सुहरावर्दी ऑर्डर, ये शेख बहाउद्दीन जकरिया जो है ये बिलोंग करते हैं किस सेक्ट में, सुहरावर्दी ऑर्डर में। ठीक है, अब चलते हैं, चलते हैं, शेख नसरुद्दीन चिराग ई दहलवी, ये डिसिपल थे किसके, शेख निजामुद्दीन औलिया के, शेख नसरुद्दीन चिराग ई दहलवी। इसके बाद कादरी ऑर्डर ऑफ सूफीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये शेख नईमतुल्लाह एंड मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा किया गया था। द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज नक्शबंदी, ठीक है, नक्शबंदी सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर था नक्शबंदी। इसके बाद ऑर्डर ऑफ सूफीज़म विच वाज अगेंस्ट म्यूजिक, तो ये म्यूजिक अगेंस्ट था नक्शबंदिया। फिर है सेक्ट एसोसिएटेड प्लेस, चिश्ती कहां है, दिल्ली और दुआब, सुहरावर्दी कहां है, सिंध में, औलिया कहां है, दिल्ली में, और फिरदौसी कहां है, बिहार में। ऑर्डर ऑफ द गिवन सूफीज नेमली शाह मोहम्मद घोष, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह और ख्वाजा मीर दर्द, हु रिगार्डेड पीस अमंग द औलिया, तो ये कौन थे, शाह मोहम्मद घोष। इसके बाद मेरी संस्कृत वर्क ऑन म्यूजिक वेयर ट्रांसलेटेड पर्शियन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ये इसका स्टेटमेंट है, बहुत सारे संस्कृत वर्क भी पर्शियन में ट्रांसलेट किए गए, ठीक है, मीडियम पीरियड में। और अगली चिश्ती सूफीज फाउंड ऑफ म्यूजिकल असेंबलीज कॉल्ड साम। ठीक, आगे चलते हैं, ऑर्डर द गिवन ऑप्शंस नेमली उलेमा खनका शेख एंड सामा, व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू सूफीज्म, ये उलेमा जो है ये सूफीज्म से रिलेटेड नहीं है। प्रेम वाटिका पोएम ऑन द लाइफ ऑफ कृष्ण वाज कंपोज्ड बाय रक्षान, तो रक्षान का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि रक्षान ने कौन सी कविता लिखी थी या प्रेम वाटिका किसने लिखी थी, ये लिखी थी रक्षान ने। रक्षान एक हिंदी में भी आता है, ये पोएम का कलेक्शन आप हिंदी की बुक में देखेंगे, ठीक है, रक्षान के तरह रक्षान। ऑर्डर द गिवन ऑप्शन वल्लभाचार्य चैतन्य गुरुनानक अमीर खुसरो भक्ति मूवमेंट, तो ये अमीर खुसरो जो है ये भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड नहीं था। ब्रह्मवासा इज कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जैसी, ब्रह्मवासा किसने कंपोज किया था, मलिक मोहम्मद जैसी ने। एवरी ईयर अफेयर इज हेल्ड एट टॉम ऑफ फेमस सूफी सेंट हाजी वारिस अली शाह, तो ये कहां पे लगता है मेला, ये देवासरीफ लगता है, देवासरीफ में। द बर्थ प्लेस ऑफ क्राइस्ट कहां पैदा हुए थे, बेथलहम में, ये इंपॉर्टेंट है, क्राइस्ट कहां पैदा हुए थे, बेथलहम में पैदा हुए थे, ठीक है, बेथलहम में पैदा हुए थे। द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियन बिहाइंड द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर, तो ईस्टर के पीछे क्या है इनका, तो डे ऑफ रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, तो ये दिन जो है ये क्राइस्ट का रिसरेक्शन दिन था, इसलिए इसको मनाया जाता है। द क्राइस्ट सेंट हु इज फेमस फॉर द लव ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो क्रिश्चियन सेंट, सॉरी क्रिश्चियन सेंट जो कि एनिमल और बर्ड से प्यार करते थे और इसके बहुत फेमस थे, कौन थे, सेंट फ्रैंकिस ऑफ असीसी, ठीक है। गुड फ्राइडे ऑफ क्रिश्चियन सेलिब्रेटेड, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, जीसस क्राइस्ट को डिक्लेयर किया था, मार्टियर्स डे, ठीक है। चलिए अब हमने ये खत्म कर दिया है, अब स्टार्ट करेंगे हम मुगल, ये हो गया, ये हो गया हमारा दिल्ली सल्तनत और सूफी मूवमेंट जो भी था, अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल, मुगल हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं मुगल डायनेस्टी। और पहला इसमें बाबर, तो आलम खान और दोस्त हु इनवाइटेड बाबर टू इंडिया, गया तो ये पगलेट आलम खान ने बुलाया था, तो ये कौन था, ये इब्राहिम लोदी का एक अंकल था और एंड प्रिटेंडर टू थ्रोन, मतलब ये बाद में फिर उसको बुला दिया था, और उसका चाचा था उसने बुलाया कि बाबर आओ और इब्राहिम लोदी से लड़ो और उसका खात्मा कर दो, ठीक है। बाबर ने बाद में इसको भी लपेट लिया, ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान ही इनवाइटेड बाबर टू इंडिया, दौलत खान, तो अफगानिस्तान के एनेक्सेशन के टाइम में इसने बाबर को बुलाया था कि इंडिया पे चढ़ाई करते हैं, ये दौलत खान था। द मुगल रूलर ऑफ मीडिएवल इंडिया, ये कौन था, ये था चागताई तुर्क। और अब गिवन नेम्स नेमली अब्दुल्ला खान उज़्बेक, शैबानी खान, उबैदुल्लाह खान एंड जानी बेग, हु डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ शारेपुल, तो ये बैटल हुआ था बैटल ऑफ शारेपुल, इसमें बाबर को हारने वाला कौन था, ये था शैबानी खान। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये तो खैर पूरी दुनिया से वाकिफ है कि पहला बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच,
तो ये तो पता ही होगा। द मेन रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो बैटल ऑफ पानीपत में जीत का मेन कारण क्या था? स्किल्ड वॉरफेयर, तो को कस्टमर किया था बाबर ने। और द गिवन बैटल्स नेमली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल प्लासी एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वेयर वाज आर्टिलरी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वन ऑफ द टू आर्मीज। तो आर्टिलरी यूज हुआ था पहली बार फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के द्वारा। इसके बाद द रीजन ऑफ बाबर्स विक्ट्री वर इब्राहिम लोदी, ये रीजन था आर्टिलरी। बाबर डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत इन द 1526 में हराया था इब्राहिम लोदी को, ठीक है। अब ये कुछ बैटल्स लड़ा था बाबर ने, तो इनको देखते हैं कौन कौन सा बैटल लड़ा था। बस इतनी ही बैटल थे, इसके बाद निपट गया बाबर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये लड़ा था 1526 में, सेकंड बैटल ऑफ ये है बैटल ऑफ खानवा, तो ये लड़ा था 1527 में, और 1528 में लड़ा था बैटल ऑफ चंदेरी, 1528 में लड़ा था बैटल ऑफ चंदेरी, और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। यही मेन चार बैटल है जो कि बाबर ने लड़ा था, ठीक है। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, लास्ट में घाघरा, ठीक है। तो स्टार्ट किया पानीपत से, फिर ये चला गया खानवा पी के मूवी देख के, और फिर किसी कहां चला गया सी, और फिर यहां से जी, ठीक है, लास्ट में घाघरा, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, पान खा के चला घूमने या कुछ भी कोड बना लो, सिंपल कोड, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। पी के सी जी 26 27 अकबर, बाबर, हुमायूं, हु सर्वेटेड द सिल्वर पॉइंट, कौन? शाहरुख, जो शाहरुख को हम लोग पढ़ते हुए देखते हैं, इस शाहरुख को इसने क्या किया था? सिल्वर पॉइंट के फॉर्म में चलाया था, कौन? बाबर, बाबर, ठीक है। चलिए बाबर का यहाँ पे एंड होता है। अब हम लोग आते हैं हुमायूं, बाबर के पुत्र हुमायूं, और थोड़ा सा शेर शाह साथ में देखेंगे कि शेर शाह जो थे ये मुगल एम्पायर के नहीं थे, लेकिन ये थोड़ा सा घुस गए थे मुगल एम्पायर में और कुछ दिन राज किया, इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हुमायूं और शेर शाह को, ठीक। अब चलिए शुरू करते हैं हुमायूं और शेर शाह। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कामरान, उस्मान, अस्कारी, हिंदाल, इनमें से कौन एक दूसरे के भाई नहीं थे? तो उस्मान जो है ये उस्मान भाई नहीं था, ठीक है, उस्मान भाई नहीं था, बाकी तीन भाई थे। अगला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बैटल्स फॉट बाय हुमायूं, तो सबसे पहले हुमायूं ने कौन सा बैटल लड़ा था? ये एक सेकंड, हां, इसने लड़ा था दीवारा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, और लास्ट में सिंध लड़ा था, ठीक है। द टू रूलर्स हु फॉट द बैटल ईयर कन्नौज 17 मई 1540 को कौन से दो रूलर्स थे जिन्होंने आपस में लड़ाई किया था? तो ये लड़ाई हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं 17 मई 1540, ये याद रखिएगा, 1540, ये इंपॉर्टेंट है, इसी इंपॉर्टेंट है 1540। अगला है कि फरीद हु लेटर ऑन बिकम शेर शाह सूरी गॉड हिज एजुकेशन, तो शेर शाह सूरी का एक और नाम आपको यहां पता चल गया, क्या नाम है? फरीद नाम है। और इसने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां से करी है? इसने अपनी पढ़ाई लिखाई करी है जौनपुर से। Out of the given medieval era, rulers namely Balban, Alauddin Khilji, Ibrahim Lodi and Sher Shah, who was highly educated. तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा कौन था? सबसे अधिक पढ़ा लिखा था शेर शाह, ठीक है, फरीद सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। इसके बाद है द सुल्तान who at first assumed the title of Hazrat E Ala and afterwards Sultan. शेर शाह को पहले कर दिया गया हजरत ई आला और उसके बाद सुल्तान का टाइटल मिला, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है कि out of the given rulers namely Akbar Jahangir Islam Shah and Sher Shah who constructed a road from East Bengal to Peshawar called Sarak e Azam. तो ये सड़क ए आजम किसने बनवाया था? तो इसने बनवाया था शेर शाह सूरी ने, ठीक है। अकबर जहांगीर इस्लाम या शेर शाह, इसमें से कौन पूछ रहा है? आंसर हो जाएगा शेर शाह। चलिए अब देखते हैं द इंप्रूवमेंट डन बाय शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने कुछ इंप्रूवमेंट्स किए थे, कौन से? रिवेन्यू रिफॉर्म किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था, मिलिट्री रिफॉर्म किया था, करेंसी सिस्टम रिफॉर्म किया था। ये चार तरीके के रिफॉर्म्स किया था। जैता और कुंपा हु इंप्रेस्ड शेर शाह विद देयर वैलोर वेयर एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ, तो जैता और कुंपा ये दो लोग जो है ये इंप्रेस हुए थे शेर शाह से, किस रीजन की बात कर रहे हैं? ये हुए थे मारवाड़ रीजन, ठीक है। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत द फर्स्ट रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइंस, तो गोल्ड कॉइन किसने स्टार्ट किया था? गोल्ड कॉइन स्टार्ट करने वाला पहला मुगल रूलर कौन था? ये था हुमायूं। हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब इसने इन्वेड किया था चुनार फोर्ट को? 1532 एडी में किया था, ठीक है। इसके बाद आउट ऑफ द गिवन नेम्स शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूर उन निसा बेगम, हु हैज कंस्ट्रक्टेड अ मॉसोलियम फॉर हर इंपर हस्बैंड हुमायूं, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने अपने हस्बैंड के लिए बनाया? वाइफ के लिए तो आपने सुना होगा, हस्बैंड के लिए हाजी बेगम ने एक बनाया था, ठीक है। और प्योर सिल्वर रुपया ये किसने किया था? सिल्वर रुपया शेर शाह ने स्टार्ट किया था। द एक्सचेंज रेट ऑफ प्योर सिल्वर रुपया एंड कॉपर दाम इशूड अंडर शेर शाह वाज, देखिए एक्सचेंज रेट क्या है 64:1, माइनस सवाल है तो रिपीट होता है तो कर लीजिएगा कि रुपया और कॉपर दाम का कितना है 64:1। डेथ ऑफ शेर शाह सूरी अकर्ड इन, कब मर गए थे? कलिंजर में, कलिंजर में हुआ था, ठीक है। डेथ हो गया था कलिंजर में, लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ शेर शाह सूरी वाज अगेंस्ट कलिंजर। द मसूरी ऑफ शेर शाह कहां पर है? ये सासाराम में, बिहार का रहने वाला था और इस यहीं पे इसका मसूरी बना हुआ है। इसके बाद है मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह, किला ई कुन्हा, कुन्हा किला ई कुन्हा एक मॉन्यूमेंट है और ये दिल्ली में बनाया गया है। ही बिल्ट द मॉस्क किला ई कुन्हा इनसाइड पुराना किला ऑफ दिल्ली, किसने बनाया? शेर शाह ने बनाया। बिल्डिंग ऑफ पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, अभी देखिए पुराना किला कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ये रिपीट हुआ एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया पुराना किला, ध्यान रखिएगा पुराना किला, पुराना किला किसने बनाया? शेर शाह ने बनाया, कहां पर है? दिल्ली में। चलिए द मेडिवल रूलर हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड काबुलियत, ये किसानों को मदद करने के लिए शेर शाह ने स्टार्ट किया था। शेर शाह का सक्सेसर कौन था? इस्लाम शाह। द रूलर हु डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200 250 एंड 500, ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि अपने
रूलर्स को 200, 250 और 500 में किसने बांटा था? इस्लाम शाह ने बांटा था, इस्लाम शाह ने बांटा था। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, इस्लाम शाह ने बांटा था। चलिए आगे चलते हैं। I would have lost the empire just for a handful of millet. This statement is associated with medieval ruler. ये statement किसने कहा था? I would have lost the empire just for a handful of millet. ये शेरशाह ने किया था, ठीक है। With respect to शेरशाह सूरी, following statement is correct. He was the architect of brilliant administrative system. तो यानी इसकी अच्छी इमेज है हिस्ट्री में शेरशाह सूरी की, ठीक है। बहादुर था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था, ठीक। इसने कुछ बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, जैसे रेवेन्यू रिफॉर्म किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे, मिलिट्री रिफॉर्म किए थे, करेंसी सिस्टम में इसने बहुत सारे बदलाव किए थे जो पॉजिटिव भी थे, ठीक है। तो ये हो गया शेरशाह की कहानी और हुमायूं की। अब हुमायूं का बेटा अकबर आ गया रूल में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकबर। देखिए अकबर का पहला सवाल है कि द प्लेस वेयर अकबर वाज इन थ्रोन ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूं डेथ। यानी जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, कैसे मरे थे हुमायूं? लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिर के मर गए थे। तो उनके मरने के तुरंत बाद अकबर जो कि मात्र 13 साल का था उस टाइम, और उसको राजा बनाया गया था बैरम खान जो है उसके अंडर में। तो कहाँ पर बनाया गया था? ये कालानौर में, कालानौर में बनाया गया था, ठीक है। द मेन नेम ऑफ अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टू सबड्यू द राणा प्रताप, ठीक है। राणा प्रताप से पंगा लिया था इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। इसके बाद द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट इन, कब लड़ाई, ये लड़ाई कब हुई थी? 1576 एडी में, 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 में। द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप का कमांडर कौन था? हकीम खान सूर, हकीम खान सूर। द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द हाउस ऑफ, तो अकबर का पहली बार मैट्रिमोनियल अलायंस जो राजपूत के साथ बना था वो किसके साथ था? कच्छवाहास के साथ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है द मसोलियम ऑफ चिश्ती सेंट दैट वाज विजिटेड बाय अकबर मोस्ट, तो अकबर किसके किसके चिश्ती पे जाता था बार बार, और किसके मसोलियम पे जाता था, सॉरी, चिश्ती सेंट थे वो, और बहुत फेमस है मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर आप वो मूवी देखे ना अकबर वाली, उसमें कहता भी है कि चलिए मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर चलते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स आदम खान, आदम खान, बैरम खान, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद खान, हु वाज पर्सनली किल्ड बाय अकबर, तो अकबर के द्वारा इनमें पर्सनली किसको अकबर ने मारा था? तो ये आदम खान को अकबर ने मारा था, ठीक है। आदम खान द स्टेट ऑफ राजपूताना हु डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली, तो विलिंगली किसने नहीं किया था? मेवाड़ ने विलिंगली नहीं किया था। इसके बाद राजपूत रूलर हु कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट मुगल्स एंड डिड नॉट सरेंडर, तो राव चंद्र सेन ऑफ मारवाड़ और राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। तो ये ध्यान देना है कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अलग अलग यहाँ पर, ये जो है राव चंद्र सेन ये है मारवाड़ का और राणा प्रताप है मेवाड़ का। दुर्गावती हु फाउट अगेंस्ट अकबर वाज क्वीन ऑफ, तो ये दुर्गावती कहाँ की क्वीन थी? ये मंडला की क्वीन थी, एमपी में जगह है मंडला, ठीक है, मंडला की क्वीन थी। इसके बाद यूसुफ शाह चक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्परर अकबर वाज बरीड इन नालंदा, ये जो थे यूसुफ शाह चक, ठीक है, ये लास्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर वैली के जो कि बिहार में एक्साइल हुए थे, कहां पे इनको बरी किया गया? नालंदा में बरी किया गया। इसके बाद है कि अबुल फजल डेथ वाज कॉज्ड बाय प्रिंस सलीम, अबुल फजल का डेथ कब हुआ? प्रिंस सलीम के द्वारा हुआ, सॉरी, इसके द्वारा हुआ, पूछ रहा है। द फैक्टर विच आर कंड्यूसिव टू एस्टैब्लिशिंग अकबर एज अ नेशनलिस्ट, तो ये पॉजिटिव चीजें आपसे पूछ रहा है, तो क्या क्या है देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी एंड यूनिटी इन लॉ, पहला तो ये हो गया, दूसरा अकबर एफर्ट एट कल्चरल यूनिटी, तीसरा हो गया अकबर रिलीजियस पॉलिसी, थोड़ा सा रिलीजियस पॉलिसी ठीक था अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, ठीक है। अकबर के पॉपुलर होने के मेन वजह क्या क्या थे? तो एक तो था वंशावदारी सिस्टम, ठीक है, दूसरा था रिलीजियस पॉलिसी, तीसरा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और लास्ट है सोशल रिफॉर्म, ठीक है। मुस्लिम रूलर हु एबोलिश्ड द पिलग्रिमेज टैक्स, तो ये कौन था? अकबर था, ठीक है। इसके बाद आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली बाबर हुमायूं अकबर औरंगजेब हु मे बी कॉल्ड एज एन इनलाइटेंड डेस्पो, इनलाइटेंड डेस्पो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर को। अकबर ही ऐसा था जिसने ये ऑर्डर चलाया था कि अ मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ, मतलब आप एक ही वाइफ रखो, एंड कुड मैरी अनदर ओनली व्हेन द फर्स्ट वाइफ वाज बैरन, आप समझ गए होंगे कि दूसरी वाइफ कब करो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अकबर वेयर, अकबर ट्राइड टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये कोशिश की इसने कि लड़का लड़की की उम्र को ये फिक्स कर दे। अकबर गिव फ्रीडम टू गर्ल टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर, तो ये तो करेगा ना, ऑब्वियस है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा, अकबर मैरिज प्रिंसेस ऑफ अमेर, पहले जो है मुगल इन्वेजन ऑफ मालवा पे, फिर अकबर ने अमर की प्रिंसेस से शादी किया, और फिर करानी कंटेस्ट ऑफ उड़ीसा, फिर उड़ीसा कंटेस्ट किया, लास्ट में बैटल ऑफ तुकारो हुआ, लास्ट में क्या हुआ? बैटल ऑफ तुकारो। इसके बाद रीन ऑफ अकबर, अकबर किस लिए जाना जाता है? तो अकबर जो है जाना जाता है एनेक्सेशन ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस को एनेक्स किया था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और लास्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन चीज के लिए अकबर जाना जाता है। द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर रेन, तो ये मीर बख्शी थे, हेड थे मिलिट्री डिपार्टमेंट, किसने याद किया? मीर बख्शी थे, ये हेड थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के। इसके बाद मिलिट्री सिस्टम में रीन ऑफ अकबर वाज बेस्ड ऑन, तो मिलिट्री सिस्टम जो है ये मनसबदारी सिस्टम पर बेस्ड था। द फर्स्ट पर्सन टू गिवन प्रॉपर स्टेटस ऑफ द दीवान, तो मुजफ्फर खान तुरबाती को अकबर ने स्टेटस दिया था पहली बार दीवान का, ठीक है, मुजफ्फर खान तुरबाती। इसके बाद मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वाज बोरोड फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनसबदारी सिस्टम जो है ये अकबर ने कहां से लिया? ये लिया मंगोल से, मंगोलिया, ठीक है, मंगोल से। इसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस, ठीक है ना, 10 के लिए 20 हॉर्स तैयार रखने उनको। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस जबती, दहसला, नस्क, कंकूट, व्हिच इज नोन एज द बंदोबस्त सिस्टम, तो दहसला जो है ये दहसला, ये बंदोबस्त सिस्टम था, ठीक है, दहसला। इसके बाद ड्यूरिंग अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम और आईने दशाला वाज डेवलप्ड बाय टोडरमल, आईने दशाला किसके द्वारा हुआ था? टोडरमल के द्वारा, ठीक है, आईने दशाला। इसके बाद है टोडरमल भाई उनके राज्य में था। अकबर लॉन्च दिन इलाही इन द ईयर, अब दिन इलाही बहुत लोगों को पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये कब इसने किया था, ये क्या था 1582 में, 1582 एडी, बहुत ही ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, 1582 एडी। इसके बाद क्या कह रहा था हिस्टोरियन हु सेड दैट दिन इलाही इज अ रिलीजन, मोहसिन फनी, ठीक है, इसने कहा था कि दिन इलाही एक रिलीजन है, क्या नाम है इसका? मोहसिन फनी। इबादत खाना वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, इबादत खाना किसने बनाया? अकबर ने बनाया था, वाह मेरे अकबर। इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वाज अ रूम इन विच द नोबल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन गैदर्ड टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स, इसमें क्या था कि इबादत खाना मतलब एक तरह से इबादत करने के लिए, यानी पूजा पाठ करने के लिए बनाया गया था, और इसमें नोबल्स जो डिफरेंट रिलीजन के थे वो आके रिलीजियस अफेयर्स को डिस्कस करते थे। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस फोर्ट नेमली गोल्डन पैलेस, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, अकबरी महल, विच इज नॉट एट फतेहपुर सीकरी, तो अकबरी महल जो है ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, अकबरी महल,
द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दैट सिचुएटेड इन दिल्ली इज अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो ये था हुमायूं का टॉम. हुमायूं का टॉम जो है ये था हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट दिल्ली में है और ये पर्शियन और इंडियन स्टाइल का मिक्स है. द थ्योरी ऑफ सुल इक्वल वाज प्रोमोटेड बाय अकबर. अब ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत नहीं कर पाएंगे जो नहीं देखे होंगे इसको. सुल इक्वल किसने किया? अकबर ने किया था. अगला सवाल है द कांसेप्ट ऑफ सुल इक्वल यूनिवर्सल पीस एंड फ्रेटर्निटी. सुल इक्वल मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल पीस एंड फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड बाय अकबर वाज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल जेनरोसिटी रिलीजियस टॉलरेंस एंड लिबरल कल्चरल एटीट्यूड. ठीक है, इसमें क्या चीजें थी? पॉलिटिकल जेनरोसिटी रिलीजियस टॉलरेंस एंड लिबरल कल्चरल एटीट्यूड. फतवाबाज इशूड फ्रॉम जानूपुर. जानूपुर जो है यहां से फतवा इशू हुआ था किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ. और द गिवन मुगल इंप्रेस नेम जहांगीर शाहजहां हुमायूं अकबर हु टू डू रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो भले ही यहां पर द्वारा था अकबर खुद, लेकिन इसने इसने बहुत सारे क्या किए थे? एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए थे. द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर फतेहपुर सीकरी. ठीक है, द मॉन्यूमेंट व्हिच इज बिल्ट बाय अकबर एंड आर्किटेक्टेड लाइक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री. तो ये क्या है? पांच महल. ठीक है, जहांगीर महल लोकेटेड, जहांगीर महल कहां लोकेटेड है? आगरा में. आउट ऑफ द गिवन फोर्ट्स नेमली रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, आगरा फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट व्हिच वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ अकबर. तो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली जो है ये अकबर के रेन में नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया था. ठीक है, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली. अगला देखते हैं, इधर आपको इंप्रेस दिया हुआ है, इधर आपको दिया हुआ है टॉम्स. तो ये बताना है. ठीक है, तो देखो बाबर का टॉम कहां पे है? काबुल में है. बाबर कहां का था? अफगानिस्तान का था. तो ये कहां पे होगा? काबुल में. अकबर का कहां पे है? सिकंदरा में है. जहांगीर का कहां पे है? लाहौर में है. शाहजहां का कहां पे है? आगरा में है. और औरंगजेब का कहां पे है? खुलदाबाद में. रट लीजिए इसको, रट. बाबर का कहां पे है और टाइमलाइन दिया है ध्यान से. बाबर कितना है? 1526 से कब तक? 30 तक. ठीक है, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 27 से 58 और औरंगजेब 1658 से 1707 तक. ठीक है, अब इसमें इसका ये टॉम है कहां कहां पे है. ठीक, द ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इनटू पर्शियन इन द टाइम ऑफ अकबर वाज कैरीड बाय या अंडर जॉइंटली बाय फैजी बदौनी और नैव खान. चार लोग लिखे थे जिसमें मेन नाम जो था वो फैजी बदौनी और नैव खान, ये तीन मेन नाम से. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं अकबर के बारे में. आउट ऑफ द गिवन पर्सन नेमली अब्दुल कादिर बदौनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक हु ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन. तो महाभारत को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? अबुल कादिर बदौनी. अबुल कादिर बदौनी द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत. महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन क्या नाम है इस बुक का? राजनामा, राज या रज्मनामा, ऐसे बोलिए, रज्मनामा. ठीक है, रज्मनामा. और ये क्या है? पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत. ठीक, अच्छा अगला क्या है? अगला है द पर्सन हु ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू द पर्शियन लैंग्वेज. तो ये तो महाभारत हो गया, रज्मनामा. अब है कि किसने जो है रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया था इन अकॉर्डिंग विद द विशेष ऑफ अकबर. सोचिए इसके विश के हिसाब से. तो अब्दुल कादिर बदौनी नाम था. ठीक है, इसके बाद चलते आगे. तबाकत ई अकबरी, अभी किताब किसने लिखी है? तबाकत ई अकबरी, निजामुद्दीन अहमद ने ये किताब लिखी है. किसने? निजामुद्दीन अहमद ने. और द गिवन पर्सन्स नेमली मोहम्मद हुसैन मुकम्मल खान और अब्दुल समाद एंड वीर सैयद अली हु वाज अवार्डेड द ऑनर ऑफ जरी कालम बाय किंग अकबर. तो जरी कालम का अवार्ड किसको मिला था? ये मिला था मोहम्मद हुसैन को. ठीक है, अगला है जैन मोंग हु स्टेड फॉर फ्यू इयर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर एंड ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु. तो हरि विजय सूरी थे, इनको जगत गुरु टाइटल दिया था अकबर ने. और द गिवन पेंटर्स नेमली अबुल हसन दसवंत, किसान दास एंड उस्ताद मंसूर हु वाज द फेमस पेंटर ऑफ मुगल एम्पायर अकबर. तो मुगल एम्पायर अकबर का फेमस पेंटर कौन था? ये था दसवंत, नाम याद रखना दसवंत. यूरोपियन पेंटिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्ट ऑफ अकबर. यूरोपियन पेंटिंग्स फर्स्ट टाइम किसके दरबार में स्टार्ट हुआ था? अकबर के. ठीक है, नेम द ऑर्डर ऑफ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म. तो ये भी क्या था? अकबर था. कब हुआ था ये हुआ था 1599 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर मिला था. और उस टाइम कौन था? अकबर था. द मीडियम इंडियन राइटर हु रिफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. तो अबुल फजल को डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के लिए ये क्या था, रिफर किया था. फर्स्ट इंग्लिशमैन हु विजिटेड अकबर फोर्ट, राल्फ फिच. ध्यान रखिएगा, ये था राल्फ फिच जो था ये आया था पहली बार. ठीक है, अगला है कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग अकबर्स रिजाइन इन द क्रोनिकल ऑर्डर इज एबोलिशन ऑफ जीआर. सबसे पहले से क्या किया था? जीजीआर टैक्स को हटाया था. दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना इसने बनाया था जहां सब लोग पूजा अर्चना करते थे. और सिंगिंग ऑफ मजार. ठीक है, और लास्ट में फाउंडेशन ऑफ दिनी इलाही. तो दिनी इलाही इसने भी स्टार्ट किया था. इसके बाद है कि अकबर मर्ज बंगाल बिहार इंडियन एम्पायर. तो कब इसने मर्ज किया? 1576 एडी में, 1526 एडी में इसने मर्ज किया. अब हम बात करते हैं जहांगीर की. ठीक है, दो अस्पा एंड सी अस्पा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय जहांगीर. दो अस्पा और सी अस्पा, ये किसने स्टार्ट किया था? जहांगीर ने. The true statement about the Mughal Mansabdari system, Zat and Sawars, ranks were granted. They were categories of three categories of Mansabdar. इसमें दो रैंक था, एक Zat और एक Sawar. ठीक है, और तीन कैटेगरी थी Mansabdars के. The reign of the Akbar in which the treaty of Chittor was signed between Mughal and Rana of Mewar. तो अकबर के रेन में treaty of Chittor साइन किया गया मुगल और राणा ऑफ मेवार के बीच. सॉरी, अकबर के लिए किसके लिए पूछ रहा है आपसे? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर. ठीक है, टेंशन की बात ही नहीं है. द पर्सन हु वाज सेंट फर्स्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. अब देखिए, इसके कोर्ट में सबसे पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस. और फिर आया सर थॉमस लो. तो ध्यान दीजिए, पहला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट ऑफ जहांगीर में किस इंसान को पहले भेजा? ये है विलियम हॉकिंस. दूसरा है द फर्स्ट एम्बेसडर सेंट बाय ब्रिटिश किंग जेम्स वन के द्वारा किसको भेजा गया था जहांगीर के कोर्ट में? तो ये था सर थॉमस रो. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस मुगल एम्पायर सर थॉमस रो केम टू इंडिया. कब आया था? जहांगीर के टाइम में. अगला है मुगल एम्पायर जहांगीर के टाइटल इंग्लिश खान. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फंसेंगे बच्चे, कि इंग्लिश खान किसको बोला था? ये इंग्लिश खान बोला था विलियम हॉकिंस को. ठीक है, सर थॉमस रो एंड एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड केम टू इंडिया इन 1615 में. 1615 में पहली बार सर थॉमस रो एम्बेसडर बन के आए थे इंग्लैंड से. ठीक है, सर थॉमस रो जो है ये रिसीव किए गए जहांगीर के द्वारा कहां पर? अजमेर में. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर थॉमस रो आए थे कहां पर रिसीव किए गए? अजमेर में. द ब्रिटिश एम्बेसडर हु केम बिहाइंड जहांगीर फ्रॉम अजमेर टू मांडू. कौन है? सर थॉमस रो, अ डच ट्रेवलर हु हैज गिवन अ वेरी वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ रेन ऑफ जहांगीर. तो एक डच ट्रेवलर था जिसको अच्छा खासा जो है जहांगीर के टर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया या अकाउंट सब बताया गया. तो वो कौन था? फ्रांसिस्को पेलसारेट या भी जो भी पढ़िया इसको फ्रांसिस्को
बेल्साट, ठीक है। तो ये था डच ट्रेवलर। अगला है द मुगल एम्परर हु हैव नो मसोलियम इन इंडिया, जहांगीर बाबर बहादुर शाह जफर। इंडिया में इनका मकबरा नहीं है। एम्परर जहांगीर बाबर लाहौर, जहांगीर को कहां बरी किया गया? लाहौर में, लाहौर में बरी किया गया भैया जहांगीर को। मुगल पेंटिंग रिच जिनी थंडर। अब ये एक अच्छा सवाल है कि दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आर्किटेक्चर जो है शाहजहां के टाइम में अपने पीक पे था, और पेंटिंग ये जहांगीर के टाइम में पीक पे था, ठीक है। और जहांगीर अपने आप में भी अच्छा पेंटर था। इसके बाद पेंटर हुआ नादिर उल जमान बाय जहांगीर, जहांगीर के द्वारा किसको दिया गया ये टाइटल? नादिर उल जमान, तो ये है अब्दुल हसन। द पेंटर ऑफ जहांगीर सरेन हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नादिर उल असरा, ये क्या है? मंसूर, ठीक है। द पेंटर ऑफ जहांगीर सरेन हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नादिर उल असरा वाज, तो ये था मंसूर, ठीक है। मंसूर पेंटर का नाम क्या था? मंसूर। द मुगल एम्परर हु रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन लैंग्वेज, तो जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, जहांगीर तुजुक ई जहांगीरी, तुजुक ई जहांगीरी। द किंग ऑफ अबुल फजल वाज रिवार्डेड बाय, तो किंग नहीं है, किलर है। अबुल फजल के किलर को क्या मिला? दोज हु हैड रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल एम्परर जहांगीर, जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट करने वाला कौन था? खुर्रम, महबत खान और खुसरो, ठीक है। खुसरो, खुसरो वाज सन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर का बेटा था, खुसरो इसने खुद रिवोल्ट किया अपने पिता के खिलाफ। द मेंबर ऑफ नूरजहां जनता कंसिस्टेड ऑफ, नूरजहां की जनता में कौन कौन थे? इत्माद उद दौला, मिर्ज ग्यास बेग नूरजहां के पापा थे, असमत बेगम नूरजहां की मम्मी थी, असफ खान नूरजहां का भाई था, प्रिंस खुर्रम सन इन लॉ ऑफ हर ब्रदर असफ खान का सन इन लॉ, और नूरजहां खुद थी, ठीक है। नूरजहां की जनता में अमंग जहांगीर ग्यास बेगम और असफ खान खुर्रम हुआ ना था, तो इसमें जहांगीर खुद नहीं था उसका, नूर जहां का जो एक जनता था उसका पार्ट। इत्माद उद दौला स्टॉम आगावास बिल भाई, तो इत्माद उद दौला इसका टॉप बनाया था नूर जहां ने, ठीक है। अब बिल्डर मॉन्यूमेंट देखते हैं, बाबर ने क्या बनाया? जामा मस्जिद। हुमायूं ने क्या बनाया? दीन पनाह, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कि हुमायूं ने क्या बनाया? दीन पनाह। जहांगीर कंप्लीशन ऑफ अकबर्स मसूलिम, और अकबर जहांगीर महल, ठीक है। ये सब मकबरा इन लोगों ने बनाया था, मुबारक हो इन लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे शाहजहां, तो शाहजहां में देखते हैं द रूट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर, तो ये कौन था? कांदाहार, ठीक है। द लॉस ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द मुगल एम्पायर बिकेम अ बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर, कांदाहार, इसको हार जाना इनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था। द मोटिव बिहाइंड शाहजहांस बल्क कैंपेन वाज सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बलाक्षान विच बॉर्डर्ड काबुल, ठीक है। इसके बाद द पर्सन हु हैड लेफ्ट अ डेपुटेशन ऑफ बनारस पंडित बिफोर द मुगल एम्पायर टू सीक द एबोलिशन ऑफ पिलग्रिम टैक्स ऑन बनारस एंड इलाहाबाद, तो ये कौन था? कविंद्राचार्य, कविंद्राचार्य, ठीक है। ये कविंद्राचार्य जी थे। मुगल रूलर हु पेट्रोनाइज्ड कविंद्राचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हिंदी, तो शाहजहां ने इनको क्या कहा था? मुगल रूलर थे, मुगल रूलर जिन्होंने इसको कहा था सरस्वती ऑफ बनारस, तो ये शाहजहां थे, ठीक है। द पोएट हु वाज द पोएट लॉरेट ऑफ शाहजहां रेन, तो कलीम, अबू जली, इनका नाम था कलीम। एक्चुअली मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम, सबको पता होगा। वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली ताजमहल, रेड फोर्ट, पांच महल, टॉम्ब ऑफ शेरशाह व्हिच वाज बीन सीन एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ हिंदू एंड ईरानियन आर्किटेक्चर, तो ये क्या होगा? ताजमहल, ठीक है। ताजमहल, रेड फोर्ट, पांच महल और टॉम्ब ऑफ शेरशाह, इनमें से कौन सा जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ हिंदू और ईरानियन आर्किटेक्चर, मतलब इन दोनों आर्किटेक्चर को मिला के बनाया गया है, तो ये किसको बनाया गया है? ताजमहल को, ताजमहल बनाया गया है, तो इन चारों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। ये है कि मुगल रूलर हु पेट्रोनाइज्ड कविंद्राचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हिंदी, तो कौन मुगल रूलर थे जिन्होंने कविंद्राचार्य को, जो कि सरस्वती ऑफ बनारस भी इनको कहा जाता है, और इनको एक बहुत ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिकली संस्कृत हिंदी, तो ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे संस्कृत और हिंदी के, तो इनको पेट्रोनाइज किया था, किसने किया था? शाहजहां ने, तो आपको रिलेटेड याद रखना है कि शाहजहां और कवि कविंद्राचार्य ये दोनों एक टाइम के थे, और क्वेश्चन जब आएगा तो इन दोनों का नाम रिलेट करके आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द पोएट वाज द पोएट लॉरेट ऑफ शाहजहां रेन, तो शाहजहां रेन में उनके कौन से पोएट थे जिनको आपको याद रखना है? तो पोएट का नाम था कलीम, ठीक है। अबू जली भी कहते हैं इनको, अबू जली। द एक्चुअल नेम ऑफ मुमताज महल, मुमताज महल का एक्चुअल नाम क्या था? ये था अर्जुमंद बानो बेगम। इसके बाद है कि ये जो आपको नाम दिया गया है जितने भी फोर्ट का, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, पांच महल है, टॉम्ब ऑफ शेरशाह है, विच कैन बी सीन एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ हिंदू एंड ईरानियन आर्किटेक्चर, यानी कौन सा है इनमें से जिसमें हिंदू और ईरानियन आर्किटेक्चर दोनों का मिक्स है, तो ये ताजमहल था। द फेमस जामा मस्जिद दिल्ली वाज बिल्ट बाय, तो जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां ने। द मुगल एम्परर हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा से दिल्ली अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, सॉरी ये वाला है, आगरा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया था किसने? शाहजहां ने। अगला है कि मॉन्यूमेंट बिल्डर दिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वाले क्वेश्चन, अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, तो अलाई से याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, और बुलंद तो क्या आपको पता है, ये तो इजी है, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था। मोती मस्जिद आगरा में किसने बनाया था? शाहजहां ने। और यही मोती मस्जिद दिल्ली में किसने बनाया था? औरंगजेब ने। अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो अच्छे अच्छे बच्चों को निपटा देगा, इसमें क्या है कि एक जो आगरा का मोती मस्जिद है वो बनाया था शाहजहां ने, और दिल्ली का मोती मस्जिद कौन बनाया था? औरंगजेब ने। इसको याद रखने का ट्रिक है कि थोड़ा सा दिमाग में बैठा रखिए कि आगरा, अगर आगरा की बात की है तो क्वेश्चन में देगा वो कि आगरा का मोती मस्जिद, या ऐसे पूछ लेगा कि शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनाया था वो कहां पे है, तो वो आगरा में, लेकिन अगर औरंगजेब ने जो मोती मस्जिद बनाया था वो कहां है? वो दिल्ली में, ठीक है। रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, रेड फोर्ट किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। लाल किला, उपनिषद में ट्रांसलेट इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के टाइम में क्या हुआ था कि उपनिषद को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था। द उपनिषद में ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय दाराशिको, किसने किया था? दाराशिको, और किस टाइटल के अंदर किया था? ये सिर्री अकबर के टाइटल के अंदर किया था दाराशिको ने। शाहजहां गेव द टाइटल ऑफ शाह बुलंद, ठीक है, शाह बुलंद का टाइटल, शाह बुलंद इकबाल टाइटल किसको दिया था? शाहजहां ने दाराशिको को दिया था। द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दाराशिको इज माजमा उल बहरेन, ठीक है। ये हम शाहजहां में चले गए, पता ही नहीं चला हम क्या कर रहे थे, ये सही था, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कर रखा था, शाहजहां ने स्टार्ट कर दिया था, अच्छा ठीक है, ये हम यहाँ से कर रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब औरंगजेब है, थोड़ा और दो तीन क्वेश्चन दिखते हैं। औरंगजेब पे और नेम गिवन है विश दाराशिको, मुराद ये हुआ था, कौन सा हुआ था? ये हुआ था, ठीक है।
और द नेम गिवन टू अमीर खुसरो दानाशिको अमीर हसन सुजा हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर तो दानाशिको ऐसा था जो पहली बार जिसने हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था और द गिवन हिस्टोरियंस वी स्मिथ जेन सरकार एल श्रीवास्तव हु डिक्लेयर्ड रिजाइन ऑफ आजाद गोल्डन एरा ऑफ मुगल पीरियड तो इन लोगों ने मुगल एम्पायर का गोल्डन एरा एल श्रीवास्तव ने कहा था एल श्रीवास्तव द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहां अब ये इंपॉर्टेंट है कोहिनूर का नाम आया है तो ये कोहिनूर किसने दिया था मीर जुमलान दिया था शाहजहां को द मुगल एम्पायर हु एबोलिश्ड द पर्शियन कोर्ट्स कस्टम ऑफ सिजदा व्हिच वाज बिगन बाय बलबन था तो बलबन ने स्टार्ट किया था सिजदा और पैबूस जिसमें सिजदा को इसने खत्म कर दिया शाहजहां ने ठीक है और अगर गिवन नेम्स दानाशिको मुराद बख्श सांसुरा औरंगजेब हुआ द गवर्नर ऑफ डेक्कन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां रेन तो ऑब्वियसली औरंगजेब ने सबको हराया था तो औरंगजेब ही होगा पीटर मुंडी ब्रिटिश टेरर केम टू इंडिया इन द रेन ऑफ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीटर मुंडी इसके टाइम आया था शाहजहां के टाइम में पीटर मुंडी ठीक और एक आया था राल्फ फिच ये आया था अकबर के टाइम में तो ध्यान रखिएगा इसको कंफ्यूज मत होइएगा ठीक है पीटर मुंडी आया था शाहजहां के टाइम में अब पढ़ते हैं औरंगजेब सबसे लास्ट जो मेन रूलर जिसकी बात करते हैं हम लोग मुगल में ये औरंगजेब ही था तो औरंगजेब ने क्या किया था ये शाहजहां के बाद गद्दी पे बैठा था ठीक है गद्दी इसको मिल गया था औरंगजेब को ठीक है पापा के खिलाफ ही स्टार्ट कर दिया था मुगल जनरल साइन ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665 की शिवाजी तो जयसिंह ये इंपॉर्टेंट है मुगल जनरल जिसने साइन किया था ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 कई बार पूछते हैं कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुआ था ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये हुआ था 1665 में 1665 में और ये ट्रीटी किसके बीच हुआ था ये जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था मुगल एम्पायर हुआ नोन एज जिंदा पीर तो जिंदा पीर औरंगजेब कहते हैं द फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज औरंगजेब औरंगजेब गॉट द विक्ट्री ओवर बीजापुर इन द ईयर 1686 टू स्टेट्स दैट वेयर एनेक्स्ड या कंकर्ड बाय औरंगजेब इन दक्कन बीजापुर और गोलकोंडा गोलकोंडा अभी कौन सा जगह है या बताइए कमेंट बॉक्स में द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज़्ड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन 1686 अबुल हसन कुतुब शाह क्या नाम था गोलकोंडा जब जीता था औरंगजेब तो उस समय कौन था वहां का राजा या फिर वहां का रूलर कौन था अबुल हसन कुतुब शाह ठीक है द मुगल एम्पायर हुआ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स इन मुगल आर्मी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था कट्टर मुस्लिम लेकिन इसके आर्मी में सबसे ज्यादा हिंदू जनरल्स थे और ये था औरंगजेब चलिए और देखते हैं द मीनिंग ऑफ जिहाद तो ये जिहाद जो है औरंगजेब कैरी ऑन बाय औरंगजेब इज तो इसका मतलब क्या था दारुल इस्लाम जिहाद का मतलब क्या होता है दारुल इस्लाम ठीक है इसके बाद द रेन ऑफ द एम्पायर इन व्हिच जिजिया वाज रिपोज तो औरंगजेब ने क्या कर दिया था जिजिया को दोबारा से ला दिया था ये देखिए जिजिया बार बार कभी आया गया फिर गया इस तरह चलता रहा तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन आया था ठीक है और कौन कौन जो है इसको हटा दिया था द क्रिएटर ऑफ बीबी का मकबरा टॉम ऑफ बीबी ये कौन था ये औरंगजेब था बीबी का मकबरा इसने बनाया था औरंगजेब ने ठीक द टॉम इज कॉल्ड सेकंड ताजमहल तो सेकंड ताजमहल किसको कहते हैं ये कहते हैं टॉम ऑफ रबिया उद दुरानी यानी बीबी का मकबरा ठीक इसके बाद आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली जहान आरा रोशन आरा गौहर आरा मेहरुनिसा हुआ द डॉटर ऑफ औरंगजेब तो डॉटर कौन थी ये थी मेहरुनिसा जी किसकी बेटी थी औरंगजेब की बेटी थी औरंगजेब बिस्टोड द टाइटल ऑफ शहीबत उस जमानी टू जहान आरा ठीक है इसने टाइटल क्या दिया था सहीबत उस जमाने किसको जहान आरा को मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय मोती मस्जिद किसने बनाया था दिल्ली का ये बनाया था औरंगजेब ने ठीक है मोती मस्जिद हां दिल्ली वाला है ये एक आगरा में मोती मस्जिद है जिसको किसने बनाया था शाहजहां ने सेंट रामदास एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ रूल ऑफ औरंगजेब तो रामदास ने एसोसिएटेड है किसके पीरियड में औरंगजेब के ठीक है इसके बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखते हैं ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार कहते हैं ठीक है डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं सरकार द हेड ऑफ द आर्मी इन मुगल पीरियड वाज मीर बख्शी आर्मी का हेड कौन था मीर बख्शी इन मुगल एरा ड्यूटी ऑफ मीर बख्शी वाज सुपरविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स मुगल एरा में मीर बख्शी के ड्यूटी को या ड्यूटी क्या था तो मीर बख्शी क्या थे हेड ऑफ आर्मी तो इनका काम क्या था सुपरविजन करना लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की आहादी वे दोस्त ट्रूपर्स हु आहादी कौन थे ये थे जिन्होंने ऑफर द सर्विस सिंगली ये अपना सर्विस अकेले देते थे डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू एनी चीफ अटैच देमसेल्फ टू मिर्जा ये किसी भी चीफ के साथ नहीं अटैच थे और ना ही ये मिर्जा के साथ अटैच थे खुद अपना सर्विस देते थे इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तसिब क्या होता है एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पब्लिक मोरल मुख्तसिब क्या होता है एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पब्लिक मोरल्स का एक ऑफिसर इंचार्ज था मुख्तसिब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली बर्नियर क्वेरी मनुसी टवेरनियर हु आर वांटेड एज फिजिशियन इन मुगल सर्विस तो आप सीधा ध्यान रखिएगा मनुष्य जो थे मनुष्य एम ए एन यू डबल सी आई ये फिजिशियन थे मुगल के टाइम में ठीक है मनुष्य इन मीडियम इंडिया मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस मेनली टू प्रोवाइड अ क्लीन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन मनसबदारी क्या है एक बेटर और बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए इसको लाया गया था द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था जाट एंड मनसब डेसिग्नेशंस वेयर ग्रांटेड तो दो डेसिग्नेशंस दिए गए थे एक जाट और एक मनसब द मनसबदार्स वर नॉट हेरिडिटरी ऑफिसर्स दे वर द क्लास ऑफ थ्री क्लास ऑफ मनसबदार तो मनसबदार जो है हेरिडिटरी नहीं था ये नहीं कि आप आपका बच्चा भी बन जाएगा और तीन क्लास थे मनसबदार में ठीक है इसके बाद 33 कैटेगरी ऑफ मनसबदार और क्लास में 33 कैटेगरी थी मनसबदारी सिस्टम ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाय अकबर स्टार्ट किसने किया था अकबर ने किया था ठीक अब मनसबदार को भी आस्क्ड टू परफॉर्म एनी सिविल सर्विस इन एडिशन टू मीटिंग हिज पर्सनल एक्सपेंसेस द मनसबदार हैड टू मेंटेन आउट ऑफिस सैलरी अ स्टिपुलेटेड कोटा ऑफ हॉर्स एलिफेंट कैमल म्यूज एंड कार्ट यानी इनको जो भी ऑफिशियल सैलरी थी ठीक है इसके अलावा एक सैलरी एक सेकंड बताओ क्या कह रहा है ये अमन सरदार को भी आस्क्ड टू परफॉर्म एनी सिविल यानी कोई भी काम दिया जा सकता है सिविल हो या मिलिट्री सर्विस का हो
इसके अलावा इस काम के अलावा जो उनका पर्सनल एक्सपेंस था कुछ पैसे बचा के या कुछ सैलरी का पोर्शन बचा के इनको मेंटेन करना पड़ता था, घोड़े और हाथी ऊंट इन सबको जो जानवर थे उन सबको देखभाल उन सबका जो देखरेख था वो उनको करना पड़ता था। मनसबदार गॉट कंडीशनल ऑन मशहूर रैंक, मशहूर रैंक होता है कि जमींदारों में से भी मनसबदार जो थे वो किसी को भी सेना में भर्ती करा सकते थे, ठीक है। तो ये सब चीजें थी मनसबदार के साथ। इसके बाद प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टेट इनकम इन मुगल इंडिया, तो मुगल इंडिया में प्रिंसिपल सोर्स क्या था? लैंड रेवेन्यू। द मुगल एम्पायर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, तो टोबैको का यूज किसने बंद कराया था? ये बंद कराया था मिस्टर जहांगीर ने। द मदद ई क्या है? मदद ई मिल्साफ, मदद ई माश इंडिकेट्स मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू मर्मेड पर्सन। देखिए जो पढ़े लिखे हैं उनको रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड हुआ करता था, तो ये अच्छी बात है। द टर्म चकला हैज बीन यूज्ड इन मीडियल इंडियन हिस्ट्री सोर्सेज। दिस वाज टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन सूबा एंड परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार। अभी क्या है? सूबा और परगना के बीच का जो लिंक था टेरिटोरियल यूनिट था उसको कहते थे चकला, बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार, लेकिन ये सरकार से अलग था, ठीक। इसके ऑफिसर और असाइन ड्यूटी, तो दीवान ईतन इनको क्या मिला था? लुक आफ्टर द जागीर एंड सैलरी। दीवान ईतन ये जागीर और सैलरी देखा करता था। मुस्तफी ये एग्जामिन द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, मुस्तफी जो है इनकम और एक्सपेंडिचर देखता स्टेट का। मुशरिफ ये लुक आफ्टर द ऑफिस, ऑफिस की देखभाल करता था। वाकियानविस मेंटेन द प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स एंड फायरमैन, ठीक है। तो ये एक लिस्ट बनाता था जो फायरमैन के, एक लिस्ट तैयार करता था इसमें मेन इवेंट्स और उसके जो फायरमैन थे तो उनकी एक लिस्ट बनाता था, ठीक है। अब इंपायर और दीवान, अकबर दीवान कौन था? मुजफ्फर खान। जहांगीर का दीवान कौन था? ग्यास बेग इत मदूद दौला। शाहजहां का था सादुल्ला खान और औरंगजेब का था आसाद खान। ये सारे दीवान के नाम थे। स्टेटमेंट अकबर लाइक शेरशाह ट्राई टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट, अकबर ने भी शेरशाह की जैसे करेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश किया। एज इन शेरशाही करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ एट द टाइम वाज द डैम, ठीक है। तो चीफ कॉपर कॉइन जो था टाइम का वो क्या था? डैम था। डैम क्वेश्चन था ना कि रुपीज और डैम में क्या रिलेशन था? 64:1 का था रेशियो, तो वही डैम है। द रूलर हु इशूड सम कॉइन विद फिगर ऑफ राम एंड सीता इन देवनागरी लेजेंड रामसिया, तो ये जो है कुछ कॉइंस पे राम और सीता की भी फोटो लगाया था। ये कौन था? ये था अकबर, ठीक है। अकबर थोड़ा बहुत इससे मिलता है। मुगल रूल कॉपर कॉइन वाज नोन एज, अब कॉपर कॉइन का नाम क्या था? डैम, मुगल रूल में, ठीक है। आगे चलते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड बनतई ड्यूरिंग मीडियल पीरियड, सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेट करने का सिस्टम था बनतई। द कैनाल इन मुगल पीरियड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द राजा वाह और फिरोज शाह, तो शबाब नहर था। शबाब नहर जो है इसका काम कंप्लीट किसने किया? मुगल पीरियड में फिरोज शाह का राज राजा वाह को इसको ठीक ठाक करा के इसको बनाया गया, ठीक है। इसके चलते हैं। मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली मिलिट्री स्टेट। दूसरा, द विटैलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेड ऑन इट्स मिलिट्री पावर, तो सही है। मिलिट्री स्टेट था ओरिजिनली, द विटैलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके मिलिट्री पावर डिपेंड करता था। मिलिट्री पावर कमजोर हुई तो जो टाइम के बाद से पूरा मुगल जो है वो खत्म हो गया। मेन रीजन ये था, मिलिट्री खराब हुई तो इसलिए राजा कुछ मतलब ही था, तो पूरा मुगल जो है वो खत्म हो गया। देखेंगे आगे। डिक्लाइन विद रेफरेंस टू मिडिल इंडिया, द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज, तो सुबह सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है, यानी सबसे बड़ा था सुबह, फिर सरकार और फिर परगना, ठीक है। इसको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस। सुबह सबसे बड़ा था प्रोविंस, फिर सरकार डिस्ट्रिक्ट और परगना मतलब महल यानी गांव के सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मुगल म्यूजिकल पेंटिंग देखते हैं। द टू स्टेटमेंट अबाउट द मुगल पेंटिंग आर बैटल सीन, एनिमल वर्ड्स, नेचुरल सीन, कोटिया डिपिक्टिंग, ठीक है। ये सब चीजें का पेंटिंग बनता था, बैटल सीन का, एनिमल वर्ड्स, नेचुरल सीन का। द फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग वाज लेड बाय हुमायूं को, बहुत बड़ा पेंटर माना जाता था मुगल, और ये पेंटिंग का बहुत शौक था इसको, तो इसे पेंटर बुलाया था बाहर से भी, तो हुमायूं भी है, ठीक है। द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द स्कूल ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट, सही है। आउट ऑफ द गिवन पेंटिंग स्टाइल पहाड़ी राजस्थानी कांगड़ा कालीघाट वाज नॉट अफेक्टेड बाय मुगल पेंटिंग, तो कालीघाट जो है ये मुगल पेंटिंग से अफेक्टेड नहीं था, इसका अपना अलग पेंटिंग था। दस्तानी आमिर हमजा ये कौन बनाया था? अब्दुल समाद एंड मीर सैयद अली, द फेमस जहांगीर पेंटर। अब जहांगीर के कुछ फेमस पेंटर कौन कौन से थे? अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूख बेग, बिशन दास, अकार अजीज रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर और गोवर्धन, ये सारे जो थे ये फेमस पेंटर थे जहांगीर के। मुगल पेंटिंग रीच इज जेनिथ अंडर, तो मुगल पेंटिंग अपने पीक पे का किसके अंदर पहुंचा? जहांगीर के अंदर में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जहांगीर ने शिफ्ट किया किस चीज को? देखिए इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, मतलब इंडिविजुअल इंसानों का पोर्ट्रेट, इंडिविजुअल चीजों का पोर्ट्रेट बनाने में इसने शिफ्ट किया था, ठीक है। इसके बाद है किशनगढ़ स्कूल, इज फेमस फॉर पेंटिंग किशनगढ़ स्कूल। आउट ऑफ द गिवन मुगल रूलर्स नेमली हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हु एस्टैब्लिश्ड कारखानास फॉर पेंटिंग, तो अकबर ने कारखानास बनाया था पेंटिंग के लिए। द पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टाइल्स इन पेंटिंग, ठीक है। अलग अलग स्टाइल के पेंटिंग इन स्कूल में दर्शाए जाते थे। द मुगल इंस्ट्रूमेंट विच वाज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच वाज मास्टर्ड बाय औरंगजेब, औरंगजेब वीणा बजाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि औरंगजेब को क्या पसंद था, क्या बजाता था वो। आउट ऑफ द गिवन राग नेमली तोड़ी भोपाली दरबारी विम पलासी विच संग अर्ली इन द मॉर्निंग, तोड़ी सुबह सुबह गाया था। म्यूजिशियंस लाइक तानसेन राजू बारवा, गोपाल नायक हैड रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम मास्टर स्वामी हरिदास, द फॉलोअर्स ऑफ स्वामी हरिदास हैव सेट अप हाउ मेनी म्यूजिकल सेंटर, तो 5 म्यूजिकल सेंटर हमने सेट अप किए थे। द ध्रुपद सिंगर इंक्लूडेड इन द रेन ऑफ अकबर, तानसेन और हरिदास, अकबर के टाइम में जो ध्रुपद सिंगर्स थे वो कौन थे? तानसेन और हरिदास। विद रेफरेंस टू मियां तानसेन, द करेक्ट स्टेटमेंट, तानसेन इन्वेंटेड मेनी राग, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन्स, ठीक है। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड आल्सो एंड गॉडेस, तो तानसेन हिंदू गॉड और गॉडेस पे भी इसने ध्रुपद बनाया था। टाइटल ऑफ तानसेन गिवन बाय, अब देखिए टाइटल किसने दिया था? ग्वालियर के राजा थे राजा विक्रमजीत सिंह, इसने तानसेन को टाइटल दिया था। द टाइटल ऑफ मियां वाज गिवन टू तानसेन, मियां किस तरह से दिया था मुगल एम्पायर अकबर ने, और ओरिजिनल नाम कैसा तानसेन का, तो देख लीजिए राम तरु पांडे, ये सब ये एमपी था तानसेन, ठीक है, राम तरु पांडे इसका नाम था। द किंग हु हैड गिवन पैट्रोनेज टू तानसेन बिफोर अकबर वाज, तो राजा रामचंद्र सिंह का फरीवा, रीवा के राजा रामचंद्र सिंह ने इनको पैट्रोनेज दिया था तानसेन को, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ग्रेट एंटिटी इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदरंग, अदरंग और मालगुजारी, मालगुजारी, तो ये मालगुजारी जो थे ये एक बहुत बड़े नाम, एक बड़ा नाम नहीं है बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूजिक में। द मुगल रूलर हु हैड लर्नड हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला करावंत, तो हिंदू म्यूजिक जो है किसने सीखा? लाला करावंत से, तो ये था अकबर। अकबर थोड़ा हिंदू इंटरेस्ट था, किया था। मुगल लिटरेचर बाबर नामा वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बाबर नामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो ये था लेडन एंड एक्साइन, लेडन एंड एक्साइन। गुलबदन बेगम डॉटर थी बाबर की, इसने कुछ काम किया था, अभी आगे आएगा। द वुमन हु रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन मुगल पीरियड, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा जो है लिखा था किसने? गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा,
हुमायूं नामक किसने था गुलबदन बेगम ने दिल्ली एजुकेशन से सेंटर विच नोन एज मदरसा ई बेगम मजिस्ट्रेट महामंगा तो यह मुफ्ती महामंगा और इन्होंने बनाया था मदरसा ई बेगम हितोपदेश वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय ताजुलदीन मुफ्ती अल मलिकी देखिए हितोपदेश को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था किसने ताजुलदीन मुफ्ती अल मलिकी इसके बाद ऑथर बुक है हसन निजामी किसकी बुक लिखा है तजुल मसीर हसन निजामी ने बुक लिखा है तजुल मसीर ख्वाजा खानदावीर ये हुमायूं नामा लिखा है मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा और भीमसेन ये नुक्शा ई दिलकुशा हसन निजामी ताजुल मसीर खानदावीर हुमायूं नामा और मोहम्मद काजिम ये आलमगीर नामा और भीमसेन नुक्शा ई दिलकुशा ठीक ठीक है चलिए अब चलते हैं आगे देते हैं अब आगे चलते हैं ऑथर और बुक नाम फिर आ गया वही चीज भीम सिंह कायस्थ तारीख ईद खुश अभी था भीम सिंह चंद्रवान ब्राह्मण ये चहार छमन ईश्वरदास नगर फतेहुत आलमगिरी और सुजान राय भंडारी खुलासत उत तवारीख ठीक है और गिवन बुक्स नेमली तवाकत ई नसीरी किताबुल हिंद तहकी ई हिंद मजमा उल बहरीन सीरी अकबर वाज ऑथराइज्ड बाय दारा शिको मजमा उल बहरीन इसमें से जो है मजमा उल बहरीन किसने लिखा था दारा शिको ने लिखा था आलम दारा शिको कौन था बताइए कौन था औरंगजेब से रिलेटेड आलमगीर नामा मुंशी मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा किसने लिखा मुंशी मोहम्मद काजिम तबाकत ई अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने इकबाल नामा जहांगीरी ये मुआयत अहमद खान और ठीक है मुस्लिम स्कॉलर्स नेमली अबू फजल फैजी अब्दुल रहीम खाने खाना एंड अब्दुल कादिर बदौनी हु हैज गिवन द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये इसने बहुत काम किया ये वन ऑफ द नाइन ज्वेल्स ऑफ अकबर अब्दुल रहीम खाने खाना ठीक है द करेक्टली मैच पेयर सारे स्कॉलर्स मुल्ला दौर ये चंदायन नाम का कवि ये पद्मावती कथा लिखे थे सोमनाथ राग विगो और अभी खुसरो आशिका ठीक है इंडियन हिस्ट्री अब्दुल हमीद लाहौरी ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां शाहजहां के टाइम के ऑफिशियल ये क्या थे हिस्टोरियन थे ऑथर ऑफ शाहजहां नामा इनायत खान अब देखिए ये पूछेगा शाहजहां नामा बाबर नामा हुमायूं नामा ये सब नहीं पूछेगा ये पूछेगा शाहजहां नामा कौन लिखा था इनायत खान अनवर ई सुहैली इधर ट्रांसलेशन ऑफ पंचतंत्र तो ये इसलिए ट्रांसलेशन पंचतंत्र में कहानी जो थी उसका अनवर ई सुहैली ठीक है इसके बाद योगा वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति तो योगा वशिष्ठ जो है ये ट्रांसलेटेड हुआ पर्शियन में बाय निजामुद्दीन किसके दिन में तो ये पानीपति ने किया था अकबर के दिन में अकबर नामा वाज कंप्लीटेड बाय अबुल फजल सात साल में लिखा इसने अकबर नामा अबुल फजल ने एनी अकबर अबुल फजल ने लिखा था कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल पर्शियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्ट लैंग्वेज क्या था पर्शियन था नस्तालिक का पर्शियन स्क्रिप्ट यूज इन मिडिल इंडिया तो पर्शियन किस स्क्रिप्ट में यूज था पर्शियन स्क्रिप्ट था नस्तालिक इसके बाद द पोएट हर्ट किंग हु रोट प्रेजिंग वर्सेस ऑन लॉर्ड कृष्ण अंडर द नेम ऑफ नागरी दास तो ये राजा सावंत सिंह थे द फेमस वर्क रामचंद्रिका एंड रासिक प्रिया वाज कंपोज्ड बाय केशवदास द बुक फवायदुल फवाद इज द रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया इट इज कंपाइल्ड बाय आमिर हुसैन सिज्जी ने इस बुक को किया था ठीक है फवायदुल फवाद चलिए आगे चलते हैं मुगल पीरियड के मिसलेंस देखते हैं जहांगीर इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सबका याद रखिए जहांगीर के टाइम में कौन आया था विलियम हॉकिंस अकबर के टाइम में कौन आया था एंथनी मॉन्सरेट और शाहजहां के टाइम में कौन आया था तवेर नियर और औरंगजेब के टाइम में आया था मनुसी ठीक है ऑप्शन से किया गया इसको ऑप्शन में जो दिया हुआ उसी हिसाब से बताना आपको जहांगीर के टाइम में हॉकिंस आए थे और अकबर के टाइम में एंथनी मॉन्सरेट आए थे शाहजहां के टाइम में तवेर नियर आए थे और औरंगजेब के टाइम में मनुसी आए थे ठीक है इसके बाद फॉरेन ट्रेवलर्स हॉकिंस 1608 से 1611 में आए थे थॉमस रो 1519 में आया था और मनुसी 1650 में आप उसी हिसाब से देख लीजिए जो उस समय राजा था औरंगजेब था और ये राल्फ फिच ये अकबर के टाइम में आया था ठीक है राल्फ फिच और एंथनी मॉन्सरेट तो दोनों का नाम याद रखिए अकबर के लिए एंथनी मॉन्सरेट और एक राल्फ फिच ठीक है इसके बाद फॉरेन ट्रेवलर हु लेवरेटेड डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया तो ये कौन था जैन बाप्टिस्ट टवेरनियर जैन बाप्टिस्ट या जीन बाप्टिस्ट टवेरनियर द करेक्ट प्रोनाउंस ऑर्डर मुस्लिम इन्वेडर तो जहांगीर फिर मोहम्मद शाह फिर अहमद शाह अब्दाली और फिर बहादुर शाह तो ये टाइप पीरियड पूछ रहा है बेसिकली और कुछ नहीं इसके बाद है कि बैटल ऑफ चांदेरी 1528 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा 1547 में बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में ठीक है इसके बाद है कि बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मरा था और अहमद शाह अब्दाली से सेकंड बैटल ट्राइन हुआ था 1192 पृथ्वीराज चौहान के साथ डेट ऑफ अकबर 1605 में अकबर निकल गए और औरंगजेब 1707 में निकल गए ठीक है 1707 और 1605 चलिए बैटल ऑफ रिवर क्लोज क्लोज नहीं है 1605 6 से 1 कम और 1707 1707 बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था 1576 में बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ था 1540 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में द फोर रेन इन्वेजन आर इंक्लूडेड ऑर्डर चिंगेज़ खान तिमूर नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि इसको आपको अरेंज करना है सबसे पहले चिंगेज़ खान आया फिर तिमूर फिर नादिर शाह फिर अहमद शाह अब्दाली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ये पूछ सकता है डेट ऑफ शिवाजी 1680 में ग्रैंड चार्टर ऑफ इंडिया का 1600 मिला था और नादिर शाह कैप्चर दिल्ली को कब किया था 1547 में अकबर ने का राजा बना तो ये 1556 में था बैटल ऑफ चंदावा ये हुआ था 1194 में तिमूर का आया था 1398 में बैटल ऑफ तालिकोटा का हुआ था 1565 में और बैटल ऑफ घाघरा हुआ था 1529 AD में ये कौन लड़ा था ये बाबर लड़ा था बैटल ऑफ सरनाल ये 1572 में हुआ था बैटल ऑफ धर्मात 1658 में हुआ था बैटल ऑफ जजाऊ 1707 में इसी में मर गया था और जी भैया बैटल ऑफ आसिफगढ़ 1601 में ठीक है अता अली खान वाज द नेम ऑफ तानसेन क्या नाम था अता अली खान तानसेन को जो कन्वर्ट करवा दिए थे इस्लाम में ठीक है अता अली खान और पहले इसका नाम क्या था तानसेन का ठीक है बताइए आपने बताया था इसके बाद हेमचंद्र विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री हेमू हेमू नाम ठीक है द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर पृथ्वीराज दारा शिकोह को कहां बरी किया गया दिल्ली में बाबर क्या बनाया जामा मस्जिद संभाल में है ये हुमायूं दीन पड़ा बनाया अकबर ने जहांगीरी महल बनाया जहांगीर ने इतमाद उद दौला मसूरी बनाया ठीक है और कुछ देखते बिल्डिंग को तो मिला तो बनाया हालांकि और कुछ लोगों का योगदान था इसमें पांचवीं मंजिल जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था गोल गुंबद मोहम्मद आदि शाह ने बनाया बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया और मोती मस्जिद दिल्ली और औरंगजेब ने बनाया शाहजहां ने बनाया आगरा वाला ठीक है बिल्डिंग जो बनाया शाह ई फतेहपुर तो ये जामा मस्जिद है ठीक है फिर बैटल देख लेते हैं बैटल हल्दीघाटी अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ बैटल ऑफ बिलग्राम हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ खुसरो बैटल ऑफ खुसरो क्या हुआ जहांगीर इसके बाद बैटल ऑफ खानवा बाबर अगेंस्ट राणा सांगा और बैटल ऑफ बल्ख शाहजहां लड़ा था ठीक है द सुल्तान वाज रिप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर तो ये स्टार्टिंग आया था सुल्तान जैनुल अबिदीन अकबर था ये सुल्तान जैनुल अबिदीन ठीक है इकता दिल्ली सुल्तान यूज करते थे जागीर मुगल आमराम विजयनगर और मुकास ये मराठा यूज करते थे ठीक है ये सारी चीजें जो है रिलेटेड है पर्टिकुलर डायनेस्टी से क्रोज का ऑर्डर देख लीजिए पद्मिनी दुर्गावती ताराबाई अहियाबाई स्टार्टिंग में पद्मिनी फिर दुर्गावती फिर ताराबाई फिर अहियाबाई बिल्डिंग देखिए शेरशाह सूरी टॉम सासाराम में है हमारी टॉम दिल्ली में है जहांगीर महल आगरा में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में विद रेफरेंस टू द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया द करेक्ट स्टेटमेंट बुलंद दरवाजा इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेड सैंडस्टोन अलोंग विद व्हाइट मार्बल इसको डेकोरेट करने के लिए व्हाइट मार्बल यूज किया गया व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग सलीम चिश्ती टॉम एंड नॉट इन खाखा ब्रिक्स एंड लाइम वेयर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा ब्रिक और लाइम यूज हुआ है व्हाइट मार्बल और रूमी दरवाजा में ठीक है
आप चलते हैं लास्ट विदर बंगाल हुआ अपॉइंटेड बाय मुगल इंपायर तो मुर्शीद कुली खान ये मुर्शीद कुली लास्ट विदर बंगाल हुआ अपॉइंटेड बाय मुगल इंपायर तो कौन था मुर्शीद कुली खान ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मुअल्लिम मुअल्लिम कौन था नेविगेटर हुआ जो इंप्लाई ऑन इंडियन मर्चेंट शिप मुअल्लिम था एक इंप्लाई था इंडियन मर्चेंट शिप पे मॉस्क खयार उल मंजिल अपोजिट टू पुराना किला इन द रिवाज कॉन्स्टिट्यूशन महामंगा खयार उल मंजिल जो है ये बनाया गया है पुराना किला के सामने ये क्या है किसने बनाया महामंगा ने ठीक है और एक बीगम का भी महामंगा के साथ रिलेटेड था ठीक है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स अटल मॉस्क जौनपुर में है फिर बनाया गया सिरसा सुधीर टॉम सासाराम में फिर हुमायूं टॉम बनाया गया दिल्ली में फिर राबिया दुरानी टॉम औरंगाबाद में ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मदरसा विच स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग ऑफ मुस्लिम जुरिसप्रूडेंस वाज लोकेटेड इन लखनऊ ठीक है टॉम ऑफ कहां पर है खुलदाबाद औरंगाबाद में खुलदाबाद जगह है आउट ऑफ द गिवन स्पोर्ट्स नेमली कालीकट भारूच कैंबे एंड सूरत विच वाज कॉल्ड बाबुल मक्का या गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड तो ये सूरत जो था उस टाइम गेट ऑफ मक्का था मुगल पीरियड में इसके बाद बंजारा ड्यूरिंग द मीडियम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जनरली तो बंजारा जनरली क्या थे ये थे ट्रेडर्स इसके बाद मुगल पीरियड मुगल ग्रोसरी डैम ये था कॉपर कॉइन मुगल टाइम में डैम बोलते थे देसाई देसाई क्या है रेवेन्यू ऑफिसर को देसाई बोलते थे दीवान रेवेन्यू चीफ था और जारिफ जारिफ क्या था यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट जारिफ ठीक है गवर्नमेंट ऑफ मीडियम पीरियड का कंपोजिट स्ट्रक्चर फ्यूजन ऑफ पर्सियो अरबिक तुर्को मंगोल इंडियन एलिमेंट्स तो इन सब का क्या था फ्यूजन था ठीक है इसके बाद इन टाइम्स ऑफ मुगल द रेन रीजन ऑफ झारखंड वाज नोन एज तो झारखंड को क्या कहते थे कुकरा ये झारखंड पीछे से पूछा गया होगा चलिए मुगल खत्म मुगल खत्म हो गया तो यहां हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल कंप्लीट कर लिया है अब हम देखेंगे ये सिख और जो भी इसके अलग मिसेलिनियस थे वो वाला वीडियो में थैंक यू